हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। आज मैं कल बोला था रात में ही जाते समय कि कल मैं शाम को ही लाइव आ जाऊंगा, तो आज मैं लगातार कम से कम 3 घंटे के लिए जुड़ा हूं आपसे, मैक्सिमम कम से कम 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकता है। तो लगातार आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सेशन को सबसे पहले लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लिंक कॉपी करके सेशन को शेयर भी कर दो। तो लगातार सेशन से जुड़ते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। लगातार सेशन से जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। और याद रखिए कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं, पर कुछ भी असंभव नहीं। हर चीज इस धरा पर पाया जा सकता है यदि आपके अंदर जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो, जिद हो। सुनो, 4 चीज मैं बोला, जोश, जुनून, जज्बा और जिद, और खुद के ऊपर विश्वास, कष्ट झेलने की ताकत और मेहनत करने का मद्दा आदत। जीवन में उस इंसान को न तो कोई गिरा सकता है, न दबा सकता है, न किसी उसको रोक सकता है। तो 5 दिन का वक्त बचा है भैया, 11 लोग प्राइमरी में एक सीट पे 11 लोग फाइट कर रहे हैं, मिडिल स्कूल 6 to 8 में एक सीट पर 12 लोग फाइट कर रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय में यानी 9 to 10 में एक सीट पर 8 लोग फाइट कर रहे हैं, 11-12 में एक सीट पर 2 लोग फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे कम फाइट 11-12 में है। तो जिनका 11-12 है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11-12 फोकस करिए, आपकी नौकरी होने की संभावना ज्यादा होगी। जिनका 11-12 है वो अपने 11-12 को फोकस करें, क्योंकि वहां पर 2 सीट है, एक सीट पर 2 लोग फाइट कर रहे हैं, सबसे कम कॉम्पिटिशन है। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन 6 to 8 में है और प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी में है। तो लगातार जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बात करते रहेंगे। आज का सेशन है रामबाण, बस रामबाण, सारा रोग का एक इलाज रामबाण। तो चलो गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो और आपके जितने भाई थोड़ा सा ये भी करो, गुरु जी का सेशन है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह थोड़ा लिंक कॉपी करके शेयर कर दो। जितने ग्रुप में तुम जुड़े हो, गांव के, चौपाल के, शहर के, बाजार के, दोस्त के, यार के, सारे ग्रुप में सेशन को शेयर कर दो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, भारत में कितने। अच्छा, एक चीज और है, सभी में होगा ई ऑप्शन, पर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, हर में ई ऑप्शन कैंसिल है। भाई, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता ताप स्थल, भारत में कितने हैं गुरु। 2 मैंने बताया है, पहला पश्चिमी घाट, कल भी बताया था पश्चिमी घाट, और दूसरा है गुरु पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय रट लीजिए, भारत में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलता है, तो आंसर होगा केरल। भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। पूरे दुनिया में पूछा जाए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां है, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहां है गुरु, तो यह है ब्राजील के अमेजन नदी के जंगलों में। ब्राजील के अमेजन नदी के जंगलों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब एक चीज और नोट कर लो, ब्राजील के अमेजन नदी के जंगल को सेल्वा कहा जाता है। ब्राजील के अमेजन नदी के जंगल को सेल्वा और लंग ऑफ अर्थ, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती का फेफड़ा, लिखो गुरु, लंग ऑफ अर्थ, लंग ऑफ अर्थ, धरती का फेफड़ा, और सेल्वा के नाम से जाना जाता है क्या, अमेजन नदी के जंगलों को ब्राजील में। तो गुरु, भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी केरल में, और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजन नदी के जंगल में, अमेजन
नदी के जंगल में, कहाँ? ब्राजील में, नोट कर लो। और इसी को क्या बोलते हैं? सेल्वा। अमेजन नदी के जंगल को सेल्वा कहते हैं और उसी को लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और भारत में दो जैव विविधता तप्त स्थल है, भारत में दो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। चलो भैया एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आगे आओ। धूपगढ़ चोटी इनमें से किस राज्य में है? धूपगढ़ चोटी इनमें से किस राज्य में है? देखो भैया, धूपगढ़ ये मैं बता दूं, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और ये पड़ता है पंचमढ़ी में। धूपगढ़ पड़ता है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पड़ता है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आगे आओ, गंगा नदी बिहार में कितने जिले से गुजरती है? गंगा नदी बिहार में कितने जिले से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा 12 जिला। बिहार में गंगा नदी 12 जिले से गुजरती है। यदि आपसे पूछे गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार। बिहार, बिहार में कितने जिले से? 12 जिलों से बिहार में गंगा गुजरती है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर, बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। और चौथा झारखंड, झारखंड से, और पांचवा पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल, लिखो गुरु, पश्चिम बंगाल से। तो भैया गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेशन। मैं बताऊं आपको गुरु कि गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है कहां से? कटिहार से। गंगा नदी में बिहार में मिलने वाली पहली नदी, गंगा नदी में बिहार में मिलने वाली पहली नदी कौन है भैया? घाघरा, घाघरा। और गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा, इसको याद कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे आओ। गंगा नदी का बिहार में कितने, बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है? गंगा नदी पूरे भारत में 2525, अब बिहार में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 445 किलोमीटर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है? बहुत शानदार सवाल, इसका उत्तर जो देगा उसको मिलेगा डेयरी मिल्क। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जुड़ गए हो 1547, लाइक है 869, प्लीज लाइक दिस सेशन, ऐतिहासिक बना दो आज के सेशन को, आज साइंस भी है। गंगा नदी उत्तर में मिलने वाली एकमात्र नदी, गंगा नदी में उत्तर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है जिसका उद्गम मैदान से है? गंगा में उत्तर से जितनी नदियां मिलती हैं, गंगा नदी में उत्तर से जितनी नदियां मिलती हैं सब के सब पहाड़ से निकलती है। एकमात्र नदी कौन सी है जो मैदान से निकलती है? गंगा नदी में एकमात्र नदी कौन सी है जो मैदान से निकलती है? गुरु उसका आंसर होगा, उसका आंसर होगा गोमती। गोमती अकेली नदी है, बाकी उत्तर से गंगा में जितनी नदियां मिलती हैं सब के सब पहाड़ से निकलती हैं। अकेली नदी है गोमती जो मैदान से निकलती है। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फूलहर झील, फूलहर झील से निकलती है गोमती नदी। भाई गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत
जिला के फुलहर झील से निकलती है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, उसके बाद जौनपुर है, जौनपुर है, उसके बाद लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर लिख लो, गोमती नदी के किनारे लखनऊ जौनपुर और सुल्तानपुर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आ जाओ। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, इनमें कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली कितनी नदियां हैं, मैं बता दूं आपको, नेपाल को बिहार का 7 जिला छूता है, नेपाल को बिहार का 7 जिला छूता है, उत्तर प्रदेश को बिहार का 8 जिला छूता है, झारखंड को बिहार का 8 जिला छूता है और बंगाल को बिहार का 3 जिला छूता है। तो बिहार के कौन कौन सी नदियां हैं जो यूपी और बिहार की सीमा बनाती, गंडक भी, घाघरा भी, कर्मनाशा भी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। गुरु, गंडक नदी, घाघरा और कर्मनाशा तीनों, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा नोट कर लो, ये तीनों नदी यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये तीनों नदी यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, मैंने बोला है यहीं से है लालू प्रसाद, उनके 7 बेटी और 2 बेटा, तो सबसे बढ़िया लिंगानुपात लालू जी के घर में है, तो भैया लालू जी गोपालगंज से हैं, तो भैया गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का, मुंगेर का, और सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना जिला का, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जमीन वाला जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, और याद रखिए सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला रोहतास और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, और सुन लीजिए सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला तो लिख लो गुरु, सबसे कम वर्षा अरवल, अरवल और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा अरवल, सबसे अधिक तापमान गया और सबसे कम तापमान वाला जिला भी गया, एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है औरंगाबाद, एकमात्र जिला जहां बिहार में कोयला मिलता है औरंगाबाद, और एकमात्र जिला जहां पर सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है, जमुई, याद कर लीजिए। आगे आओ, अगला सवाल, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है, लो आही गया, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी, किशनगंज, तो क्या होगा आंसर, किशनगंज, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज और सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल, चलिए एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है औरंगाबाद, चलो भैया आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बिहार में रामनगर दून किस जिले में मिलता है, बिहार में रामनगर दून कहां मिलता है, नए प्रश्न भी लाया हूं, बिहार में रामनगर दून कहां मिलता है गुरु, रामनगर दून और हरहा नदी की घाटी, रामनगर दून एक और है हरहा नदी घाटी, हरहा नदी घाटी, ये दोनों कहां मिलता है, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी मिलता है पश्चिमी चंपारण में, और याद रखो मेरे भाई, मेरे दोस्त भाई, याद रखो हरहा नदी घाटी और रामनगर दून के साथ साथ बिहार का एकमात्र जिला जहां बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है,
वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है भैया? वाल्मीकि नगर, वो भी पश्चिमी चंपारण में है। हिमालय का, हिमालय पर्वत का हिस्सा बिहार के एकमात्र जिले में है, उसका भी नाम है पश्चिमी चंपारण। हिमालय पर्वत को बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी। हिमालय पर्वत को बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत का हिस्सा बिहार के एकमात्र जिले पश्चिमी चंपारण में है, एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है, और बिहार का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। चलिए, तो रामनगर दून और हरहा घाटी दोनों पश्चिमी चंपारण में है। आगे आ जाओ, बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो 2118 मेरे प्यारे दुलारे, मेरे शेर, मेरे विद्यार्थियों, लाइक कर दो। वो लकीर खींचनी है, चार दिन में इतनी पढ़ाई करो कि वो लकीर खींच दो जो आने वाली पीढ़ी की नजीर बन जाए। बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है गुरु? मुंगेर में। बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में, और मंदार की पहाड़ी, मंदार की पहाड़ी ये बांका में, बांका जिला लिख लो, मंदार की पहाड़ी बांका जिला में, और कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी भभुआ रोहतास, रोहतास भभुआ रोहतास गया जिले में, भभुआ रोहतास और गया जिले में कैमूर की पहाड़ी, नोट कर लो गुरु, और मंदार की पहाड़ी बांका जिले में, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में, याद कर लो, खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में, और मंदार हिल बांका जिले में, कैमूर की पहाड़ी भभुआ रोहतास और गया में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट गुरु, जल्दी से आगे आओ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है गुरु? तो नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से, नासिक जिला के त्र्यंबक गांव से, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी निकलती है, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक गांव से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा और गौतमी नदी के नाम से भी जानते हैं, गौतमी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और गौतमी नदी भी कहते हैं। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ मेला, नासिक में गोदावरी नदी किनारे कुंभ मेला लगता है। आपको पता होगा भारत में चार स्थानों पर कुंभ लगता है, भारत में चार स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। लिखो, पहला लिख लो गुरु, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक में भी कुंभ लगता है। इसके अलावा, इसके अलावा उज्जैन, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे भी कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा आगे आ जाओ गुरु, इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे भी, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भी कुंभ का मेला लगता है। तो गुरु, कुंभ का मेला भारत में चार जगह पे लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तराखंड के हरिद्वार में और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, चार जगहों पे कुंभ लगता है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिणम गंगा और गौतमी नदी के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, एकमात्र नदी कौन सी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है? यदि कल का सेशन आपने देखा होगा, कौन कौन जुड़ गए भाई, कौन कौन जुड़ गए, मारुत नंदन कुमार, जुकिया परवीन, आशीष रंजन भाई, तैमिना, मुकेश, चलिए सभी को शुभकामना, नीतू ठाकुर, नीजू ठाकुर, नीशु कुमारी, आशुतोष कुमार, दुर्गा, प्रियंका, चलिए त्रिपुरेश जी, आशुतोष भाई, राजेश जी, स्वाति, महबूब, अंजलि, चलिए भाई सभी को शुभकामना, चलिए परवीन कुमार जी, रवि, चलिए जया, धनबाद, चलिए भाई पूजा कुमारी, विभा, रीना कुमारी, मुस्तफ़ा अंसारी, सभी को शुभकामना, फाल्गुन जी, रश्मि कुमारी, प्रियंका यादव, चलिए सभी को शुभकामना, सभी को चंदन जी, आमिर खान जी, सभी को शुभकामना, चलिए सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सभी को आशीर्वाद, मुस्कुराते रहो, दबा के पढ़ो, दबा के सेशन को लाइक भी कर दो, थोड़ा लाइक कर दो। भैया कौन सी नदी है एकमात्र जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती, कल ही बताया था, एकमात्र नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम, एकमात्र नदी जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी, एकमात्र नदी जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी, और एकमात्र नदी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है उसका नाम है गुरु, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनाती है झेलम, और एकमात्र नदी जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी है? काली नदी। और लिखो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच, और लिखिए मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच, डंकन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कोए के बीच, मालदीव और मिनी कोए के बीच 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनी कोए और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, ये सब याद कर लीजिए, 17 डिग्री चैनल उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है, 38 डिग्री उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है, 49 डिग्री कनाडा को यूएसए से अलग करता है, ये सब बात याद होना चाहिए। चलिए सेशन को लाइक कर दो। तो झेलम नदी एकमात्र नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और श्रीनगर में क्या क्या है? डल झील, उसके बाद श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, नोट कर लो, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में क्या क्या है गुरु? डल झील, ट्यूलिप गार्डन, शालीमार बाग, निशांत बाग, ये सब कहाँ है गुरु? शालीमार बाग, निशांत बाग, ट्यूलिप गार्डन, डल झील, ये सब श्रीनगर में है, और श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितिस्ता, लिखो भैया, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितिस्ता नदी। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झील से। कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झील से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झील से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो बेरीनाग झील से। झेलम नदी का पुराना नाम वितिस्ता। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। श्रीनगर में क्या क्या है? डल झील है, ट्यूलिप गार्डन है, शालीमार बाग है, निशांत बाग है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और याद रखो खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि पत्थर को भी पानी बना सकते हैं गुरु, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। बहुदेशीय परियोजना को बहुत शानदार सवाल, आज बिल्कुल नए अंदाज में नए प्रश्नों के साथ आया हूं। सेशन को लाइक कर दो गुरु, सबसे पहला काम सेशन को लाइक कर दो। नाराजगी, तुमसे नाराज हूं, सेशन लाइक नहीं करते। चलो, बहुदेशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुदेशीय परियोजना ऐसी परियोजना जो एक उद्देश्य के लिए नहीं हो, कई सारे उद्देश्य के लिए हो। सर, रिलेवेंट हिस्ट्री का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके भाई, फाल्गुन जी, ब्यूटी कुमारी, निहार जी, चलिए रूबी, जया, सलमान, दीपा, चलिए अमृता, आनंद कुमार जी, अमन जी, बेबी, चलिए सभी को स्वाति, अन्नी राव, सभी को शुभकामनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब ऐसी परियोजना जिसका संबंध कई सारे उद्देश्यों से हो। जैसे मान लो एक डैम बनाए, पुल बनाए, डैम नदी में बांध बनाए, उससे क्या हो रहा है? बाढ़ भी नियंत्रित हो रहा है, उससे बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, उससे सिंचाई भी हो रहा है। एक बांध से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होता है। जब नदी में एक बांध से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो तो उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस डैम। तो गुरु, मल्टीपर्पस डैम को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया पाहन, कबीर ने कहा पाहन पूजे हरि मिले, तो क्यों ना पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो गुरु, जो हमें रोटी देता है, घरों में रोशनी देता है, असली में मंदिर वही है जो हमें रोटी दे, रोजगार दे, बाढ़ से बचा ले, बिजली दे, साफ पानी दे, कहीं ना कहीं हमारे लिए वही भगवान है। तो भैया, बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। आगे आ जाओ, मैटूर बांध किस राज्य में है? मैटूर बांध किस राज्य में है, जल्दी बताओ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। मैटूर बांध किस राज्य में है? गुरु, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मागिरी हिल, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कावेरी नदी पर लिख लो गुरु, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी है। जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जिसे 1902 में लगाया गया था। और ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, लिख लो भैया। भाई, शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, लिख लो। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया शिव समुद्रम है। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। लेकिन कावेरी नदी पर मैटूर बांध तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध और कावेरी नदी पर एक चीज और है, तमिलनाडु में ही होंगेनकल जलप्रपात भी है। तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मैटूर बांध है, तमिलनाडु में मैटूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में ही कावेरी नदी पर होंगेनकल जलप्रपात है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जिसे 1902 में लगाया गया था। शिव समुद्रम भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। और कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मागिरी हिल से। एक बात और लिख लो, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद, कावेरी नदी के पानी के
बंटवारे का विवाद लिखो किसके बीच है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, लिखो कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, जल्दी तीन अंगुली खींचो, देखो स्क्रीन पर ऐसे तीन अंगुली खींचोगे ना तो आ जाता है स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आइए, गरीबी हटाने, गरीबी हटाने संबंधी योजना पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? भाई अगर पूछे गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तब आंसर होगा पांचवीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार योजना किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो जस्ट उसके आगे भैया जिसमें नारा दिया गया उसके अगले वाले में योजना बनाई गई। तो भैया गरीबी हटाओ का नारा पूछे कब दिया गया, तो आंसर होगा पांचवीं, और उसके लिए योजना कब बना तो होगा छठी। चलिए आगे आ जाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष हुआ? पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969 में 14 बैंक पहली बार 14 बैंक और फिर 1980 में दूसरी बार 6 बैंक, टोटल 14 और 6 20 बैंक, कुल 20 बैंक का हुआ था। दो बार अभी तक कुल दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अभी तक कुल दो बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली बार 1980, पहली बार 1969 में 14 बैंक और दूसरी बार 1980 में 6 बैंक, कुल 20 बैंक। लेकिन इसी में से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसे मर्ज किया गया था, इसी में से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसे पीएनबी में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था, जिस कारण से अब 19 रह गया। सबसे पहली बार आपको पता है जितने भी बैंक हैं, आपको पता है जितने भी बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लेकिन आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? 1949 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत कब किया गया? 1949 में। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई को सरकार का बैंक कहते हैं, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी का रक्षक कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ का मतलब अंतर, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक। गुरु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में। भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, किसके आधार पर हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन
वुड्स सम्मेलन 1944 लिखो। क्वेश्चन आता है किस सम्मेलन के आधार पर, किस सम्मेलन के आधार पर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का स्थापना हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ। और याद रखो जितने मेंबर आईएमएफ के होते हैं उतने ही मेंबर वर्ल्ड बैंक के भी होते हैं, जितने मेंबर आईएमएफ के होते हैं सेम मेंबर वर्ल्ड बैंक के होते हैं। आईएमएफ में कितने मेंबर हैं? 189। तो वर्ल्ड बैंक में भी कितने होंगे? 189। पूछा जाए वर्तमान में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? 189। और इन दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका का राजधानी भी है, यूएसए का राजधानी भी है। और किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी। पोटामैक नदी लिख लो, वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है, अमेरिका की राजधानी है और यहीं पर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में आईएमएफ में कितना मेंबर? 189। और वर्ल्ड बैंक में भी कितना होगा? 189। इन दोनों का स्थापना 1945 में हुआ और किसके आधार पर हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है और अमेरिका की राजधानी है और यहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अच्छा एक चीज और पूछता है, आईएमएफ का जो करेंसी है मुद्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसडीआर। आईएमएफ की करेंसी को क्या बोलते हैं? एसडीआर। आईएमएफ की करेंसी को बोलते हैं एसडीआर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए किसके आदेश से संसद में बजट पेश होता है? अगला क्वेश्चन, किसके आदेश से, कौन कौन जुड़ गए भाई? प्रिया भारती, आनंद कुमार गुप्ता, रजिया सुल्तान भी जुड़ गए, जया पांडे, सभ्या खान। चलिए सभी को शुभकामना, आनंद भाई चलिए सभी को शुभकामना, रजिया सुल्तान को भी शुभकामना, सभी को शुभकामनाएं मेरे भाई, जुड़े रहिए। किसके आदेश से संसद में बजट पेश होता है? आपको बताओ राष्ट्रपति। बजट पेश करता कौन है? वित्त मंत्री। करता है वित्त मंत्री, और करवाता कौन है? राष्ट्रपति। बजट पेश करता है वित्त मंत्री लेकिन करवाता है राष्ट्रपति। बजट सब पूछा जाए संविधान में कहां है? तो कहीं नहीं। बोलना है बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट के जगह पर किसका विवरण है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के स्थान पर जो शब्द है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 112। लिखो यह संसद में किसके अनुसार बजट पेश होता है? संसद में किसके अनुसार बजट पेश होता है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद में बजट पेश किया जाता है। और बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। और पेश करता कौन है? राष्ट्रपति। करवाता कौन है? करवाता कौन है? राष्ट्रपति। करता है वित्त मंत्री। करता है वित्त मंत्री, करवाता है राष्ट्रपति। एक बात और जान जाओ, बजट में क्या चेंज हुआ मोदी जी के आने के बाद? नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है 3 राज्यों में। अभी बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान में बनेगा, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो भैया मोदी जी बजट में आने के बाद क्या चेंज किए नोट करो। 2017 में बजट में 3 चेंज हुआ। 2017 में बजट में 3 चेंज हुआ। पहला चेंज, 2017 से पहले तक बजट पेश होता था 28 फरवरी को, फरवरी के अंतिम दिन 28 फरवरी को पहले बजट पेश होता था। मोदी जी के आने के बाद 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। दूसरा अंतर क्या आया भाई? योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय अलग अलग होता था, प्लांड और नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर अलग अलग रखा जाता था। मोदी जी 2017 से प्लांड और नॉन प्लांड को मिला दिए, प्लांड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लांड को मिला दिए। अब बजट में तीसरा चेंज क्या हुआ? बजट में जो तीसरा चेंज हुआ वो चेंज हुआ कि भैया रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। 2017 में बजट में ही 3 चेंज हुआ, रेल बजट
अलग पेश होता था, लेकिन 2017 से उसको आम बजट में मिला दिया गया। बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश होने लगा, और फिर क्या हुआ, योजनागत और गैर योजनागत व्यय को मिला दिया गया। बजट अनुच्छेद 112 में आता है, केंद्र का बजट। भाई अगर पूछा जाए केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 में और राज्य का बजट, राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में, भाई हर राज्य भी अपना बजट पेश करता है। केंद्र का बजट अनुच्छेद 112, राज्य का बजट अनुच्छेद 102, रट लो, याद कर लो, केंद्र का बजट 112, राज्य का बजट 102। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी फटाफट आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम FCI, भारतीय खाद्य निगम का मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया, 1965 में। भाई क्यों किया गया, जो हमारे देश में एक्स्ट्रा उत्पादन होता है उसको क्या करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, ताकि कोई भविष्य में दिक्कत आ जाए, अकाल पड़ जाए, महामारी हो जाए, ऐसे में उसको कंजर्व किया जा सके। तो भारत में भारतीय खाद्य निगम एक्स्ट्रा अनाज को जमा करने के लिए, एक्स्ट्रा जो अनाज का उत्पादन होगा उसे FCI के गोदाम में रखा जाएगा, ताकि अकाल के समय, बाढ़ के समय, महामारी के समय लोगों की मदद की जा सके। तो FCI की स्थापना 1965 में हुआ था। चलो गुरु आगे आ जाओ, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था, 1956 में, 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। आगे आओ, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, इसी को बोलते हैं जवाहर रोजगार योजना, JRY, जवाहर रोजगार योजना की, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया, बहुत से शानदार सवाल कई बार पूछे गए हैं, नया सवाल, हमारी कोशिश है कि हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर किया जाए। एक बार जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और याद रखिए जीवन में कभी कुछ निराश होने जैसा कुछ नहीं है, हमेशा खुश रहिए, जीवन बड़ा है, जीवन शानदार है, इसे जीने की जरूरत है। गुरु एक लाइन सुना होगा भैया कि तलब की राह में कुछ, देखो तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, तलब की राह में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले मेहनत करना पड़ेगा, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है, और मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। चलिए गुरु आगे आइए, जवाहर रोजगार योजना 1989, जवाहर है ना, एक लाइन सुना है ना, हर किसी को यहां मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता, हर किसी को यहां मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन गुरु ये भी याद रखिए, फिराक गोरखपुरी का लाइन है कि जिंदगी है 4 दिन की, फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं, अब तुम कहोगे सर अब तो 4 दिन परीक्षा में बचा है सर क्या करें, तो जिंदगी है 4 दिन की, 4 दिन भी बहुत होते हैं यारो, चलो गुरु इसी को जियेंगे, आगे आओ, निराश नहीं होना, जीवन बहुत बड़ा है। गंगा नदी की सफाई के लिए बहुत शानदार, इस बार आज का सवाल रियल में बेहतरीन है, बस जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए। गंगा नदी की सफाई के लिए पहली बार गंगा जी की याद आई, लोगों को पहली बार गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, पहली बार राजीव गांधी को याद आया ये गंगा जी की सफाई होनी चाहिए। श्री राजीव गांधी जिनकी माता जी की हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई, उनके सुपुत्र थे श्री राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बने। आज पंचायती राज अगर रंग रूप ले पाया तो राजीव गांधी के कारण, कंप्यूटर भारत में लाया गया तो राजीव गांधी के कारण, कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं ना इतना बड़े पैमाने पर, राजीव गांधी, और इन्हीं राजीव गांधी के समय ही दल बदल कानून आया, पहली बार दल बदल कानून भी राजीव गांधी के समय, और वोट देने का उम्र 21 से 18 किया गया, सब राजीव गांधी के समय, जब देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे तो देश में कंप्यूटर आया,
वोट देने का उम्र 21 से 18 किया गया, दल बदल कानून आया और गंगा जी के सफाई के लिए 1985 में क्या लाया गया, गंगा एक्शन प्लान। हम मोदी जी क्या लाए हैं, नमामि गंगे। मोदी जी इस योजना का नाम क्या कर दिए, नमामि गंगे। पटना के सब रोड कोड़ दिए हैं नमामि गंगे के नाम पर। चलिए 1985 में पहली बार गंगा जी की याद कब आई, 1985 में। चलिए किस समिति के सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई, नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को की गई, 12 जुलाई 1982। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। नबार्ड का मुख्यालय, नबार्ड का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बंबई में है, नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई, नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ, मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ। नबार्ड की स्थापना, नबार्ड गांव के लोगों को, किसान को लोन देने वाली संस्था है। नबार्ड बैंक का काम करती है, जमा नहीं लेती लेकिन लोन देने का, गांव के लोगों को गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों को गांव के विकास के लिए, केवल गांव के लोगों को, शहर के लोगों को नहीं, केवल गांव के लोगों को गांव के विकास के लिए नबार्ड क्या देती है गुरु, लोन देने का काम करती है। तो नबार्ड, इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। सुनो, सुरैया कमेटी के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुआ, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन आ जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। किसके सिफारिश पर, सुरैया कमेटी के सिफारिश पर, सुरैया समिति के सिफारिश पर रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिम्हम समिति, इसका संबंध है बैंक सुधार के लिए, बैंकिंग सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। नरसिम्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है, सुरैया समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इतना बार बोल रहा हूँ गुरु की याद हो जाएगा, ये हमारा कोई शौक नहीं है बार बार बोलना, हम जान के बोल रहे ताकि आपको याद हो जाए, मेरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े आपको। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, चलिए सेशन को लाइक कर दो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, डेट याद करना जरूरी है, 12 जुलाई 2 अक्टूबर। चलिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, भैया विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, सेज एक्ट। इसी साल, जिस साल विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम आया था उसी साल आया था सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट, उसी साल आया था आरटीआई एक्ट। समझ रहे बात ना, सरकार क्या काम कर रही है उसका आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आम जनता को अधिकार है कि सरकार जो भी काम जनता के लिए कर रही है उसको आप आरटीआई लगा के ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक बहुत बड़ा कानून आया था सूचना का अधिकार कानून, और उसी साल आया था नरेगा, या उसी को बोलते हैं अब मनरेगा, मनरेगा कानून भी इसी साल, कानून की गारंटी, रोजगार की गारंटी देने वाला, रोजगार की गारंटी हर गरीब परिवार को, गांव के सभी गरीब परिवार को 150 दिन का रोजगार देने की गारंटी, गांव के सभी गरीब परिवार को, सभी मतलब सभी जनरल भी, माने केवल गरीबी रेखा के नीचे नहीं ऊपर भी, हर कास्ट में हर लोगों को, गांव के कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है उसे 150 दिन का रोजगार पाने का अधिकार है। काम के अधिकार का कानून भी कब आया, 2005 में, तीनों 2005 में। भैया विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, ये तीनों एक के साथ याद कर लो सेट बना के तो याद रहेगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, भैया रोजगार की गारंटी वाला नरेगा कानून ये भी 2005, सूचना का अधिकार कानून 2005, यानी पूरे जब भी देश आजाद हुआ तब से 2005 का साल, मुझे लगता है कि इससे बेहतर साल नहीं हो सकता। चलिए आगे आओ, स्क्रीनशॉट ले लो, सब 2005 में।
किस पंचवर्षीय, एक जगह बता दिए ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, किस पंचवर्षीय योजना का टैग वाक्य था समावेशी विकास, समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास की बात की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें समावेशी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, पहली बार समावेशी विकास की बात 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार समावेशी विकास की बात की गई। मैं बता दूं कि अभी तक पूछा जाए कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, तो अभी तक 12, कुल 12 पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो थी उसका निर्माण का काम कौन करता था, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना का निर्माण, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करती थी, योजना आयोग। और पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन, अंतिम अनुमोदन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन ये करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद, और पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता था, योजना आयोग। अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, 12। अब योजना आयोग खत्म कर दिया गया, योजना आयोग की जगह पर क्या बना दिया गया, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर अब क्या बन गया, नीति आयोग। कब बना, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग, और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। वैसे योजना आयोग कब बना था, योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 क्या है, भारत में नियोजन पूछिए, भारत में नियोजन कहां से लिया गया था, तो होगा रूस से। पंचवर्ष योजना कॉन्सेप्ट, योजना कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, रूस से। चलिए हो गया, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जितनी भी योजना हो चाहे नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, सब लिया गया कॉन्सेप्ट रूस से। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। भाई योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950 को। एक बार सेशन से जुड़ जाइए, क्या है भाई सर आपका, क्या है भैया थोड़ा सा देखें, आप लोगों का कमेंट भी आता रहता है बड़ा लंबा लंबा, आपका सायराना अंदाज देख के मुझे पढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है। मोहम्मद समीम जी, समीम भाई आप लोगों को देखकर मुझे पढ़ाने का मन करने लगता है, आप ही लोग तो मेरे जिंदगी हैं, सच पूछिए तो रियल पूछिए तो। मैं इतने दिनों तक, अब तो मेरी खैर जॉब हो गई अलग बात है, लेकिन मैं इतने दिनों तक इतना बढ़िया पढ़ाता रहा, इतना दिनों तक टिका रहा, इसके पीछे आप मेरे एनर्जी हैं। सभी लोग, सभी लोग को शुभकामना, हम यहाँ से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप सभी बेहतर पद पे जाएं, सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करें, हमारी जहाँ ज़रूरत होगी हम खड़े हैं हर चीज़ में आपके साथ। और भी बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं गुरु, जरा देख ले। नमस्कार सर, मैं कटिहार 1200 से हूँ, आपके पढ़ाने के स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो जाने पर मैं आपसे मिलने जाऊंगा पटना। नमीम अख्तर जी, नमीम जी बहुत बहुत शुभकामना आपको, शुभकामनाएं मेरे भाई। चलिए, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक कहा जाने वाला रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पूछ रही, बता चुके हैं आज ही के सेशन में बताया है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लिखो, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक को, रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, सरकार का बैंक रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या जारी करती है, मौद्रिक नीति। भैया विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी कौन होता है, रिजर्व बैंक। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी होता है रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। और बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, सरकार का बैंक रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मौद्रिक नीति जारी करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ।
आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और लिख लो भैया आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं कौन, शक्तिकांत दास, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में, स्थापना 1935 में। आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक। अगर बहुत शानदार, आज का क्वेश्चन तो खैर माइंड ब्लोइंग है, आज जाना मत, रुके रहो क्योंकि साइंस का भी सवाल आएगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु, तीन घंटे किसी को हिलना नहीं है, टिके रहना है गुरु। चलिए अगर बजट पर वोटिंग होती है, अब वोटिंग में सरकार, वोटिंग कहां, हां बजट पर वोटिंग हो तो वोटिंग की बात हो तो वोटिंग कहां होगी, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या एक से अधिक, क्या होगा गुरु भाई बोलो। बजट पे बहस लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, यदि बजट पर बहस की बात हो तो लोकसभा में भी होगा राज्यसभा में भी होगा, यानी बजट पर बहस करने की चर्चा करने का जितना अधिकार लोकसभा को है उतना ही अधिकार राज्यसभा को भी है, लेकिन अगर बजट पे वोटिंग की बात हो तो केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता। बजट पे वोटिंग केवल लोकसभा में होता है, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता, याद रखिएगा। और एक चीज और, बजट पे वोटिंग हो और सरकार हार जाए, बजट पे वोटिंग हो और सरकार हार जाए तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, यह भी याद कर लीजिए। बजट पे बहस करने का अधिकार, चर्चा करने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा को बराबर है, लेकिन बजट पे वोटिंग केवल लोकसभा में होता है और बजट के वोटिंग में सरकार हार जाए तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। चलिए आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विजय केलकर, बताओ जल्दी किस व्यक्ति को इनमें से आर्थिक सुधार का जनक, एलपीजी, एलपीजी का जनक कहते हैं। सर एडमिट कार्ड पर क्या है जी, मुसीरा मैथ शरीफ, एक दूसरे का फोटो सो रहा है, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड से पहले, हाँ भाई सुनो, जिनका एडमिट कार्ड में दिक्कत है, हो सकता है बीपीएससी 7 तारीख से पहले यानी 5 तारीख को दे कि भैया कुछ गलती हुआ है तो आप उसमें बदलाव कर लीजिए, यदि कोई बदलाव करने के लिए बीपीएससी ऑप्शन नहीं देती तो आप परीक्षा दीजिए, जाके उसी फोटो पर 2 एक्स्ट्रा फोटो एग्जाम में लेके जाइएगा, 2 एक्स्ट्रा फोटो लेके जाइएगा एग्जाम में, और वहाँ जाइएगा तो आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट निकलने से पहले बीपीएससी फिर एक बार सुधार का मौका देगी, टेंशन मत लो, सुधार का मौका मिलेगा, परीक्षा की तैयारी करिए, सब चक्कर में मत पड़िए कि क्या गलती हो गया, तो पढ़ाई में दिमागे ना लगेगा। चलो अभी तत्काल सब भुला जाओ भाई भाई, क्योंकि दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। भारत में आर्थिक सुधार का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं, उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उस समय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे, याद रखो। और नेक्स्ट आ जाओ, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल, भाई 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, 280, संविधान में अनुच्छेद 280, वित्त आयोग के लिए 280 अनुच्छेद। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं 5, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य, 5, और सबकी नियुक्ति कौन करता है, सबकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, सबकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का प्रमुख काम क्या होता है, टैक्स का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, ये भी काम है वित्त आयोग का। अब वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग
जब पहली बार वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है 2021 से 26, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है 2021 से 26, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है 2021 से 26। स्क्रीनशॉट ले लो, 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कुल सदस्य होते हैं 5, सबकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का मेन काम क्या है, टैक्स का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, स्क्रीनशॉट, एक सवाल नहीं छूटना चाहिए, स्क्रीनशॉट गुरु। आगे आओ, संचित निधि से किसी राज्यों को मिलने वाले हिस्सा किसके सिफारिश पर राज्यों को मिलते हैं। एक चीज और है, वित्त आयोग का एक और काम है कि संचित निधि से किसी राज्य को पैसा मिलना है तो कितना पैसा किस राज्य को मिलेगा, इसका रिकमेंडेशन भी कौन करता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही बताता है कि संचित निधि से कितना रुपया किस राज्य को मिलेगा। कौन बताता है, वित्त आयोग बताता है। किस अनुच्छेद के तहत, भी बताओ किस अनुच्छेद के तहत, जल्दी बताओ, अनुच्छेद 275 लिख लो भैया, अनुच्छेद 275 के अनुसार वित्त आयोग ये सिफारिश करता है कि बिहार को कितना पैसा मिलेगा संचित निधि से, बंगाल को कितना पैसा मिलेगा संचित निधि से, इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। चलो गुरु आगे आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद 275। अब वित्त आयोग खुद किसमें है, अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद, मैं भी तो बताया हूं अनुच्छेद 280 और संचित निधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। संचित निधि किस अनुच्छेद में है, संचित निधि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 266। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग सिफारिश करता है संचित निधि से किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, अनुच्छेद 275। तीनों याद रखो, अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग सिफारिश करता है कि संचित निधि से कितना पैसा किस राज्य को मिलेगा, संचित निधि किसमें है अनुच्छेद 266, खुद वित्त आयोग किसमें है अनुच्छेद 280। याद हो गया, याद हो गया गुरु, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कई बार करवा चुका हूं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम भिखाजी कामा, जल्दी बताओ किसे बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां, मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा को बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां। और ये मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की क्या रह चुकी हैं, निजी सचिव, निजी सचिव, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं मैडम भिखाजी कामा, पहली भारतीय, मैडम भिखाजी कामा पहली भारतीय, लिखो भाई पहली भारतीय, जिन्होंने जर्मनी के स्टूटगार्ट में, जर्मनी के स्टूटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था, भारतीय झंडा फहराया था। पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली भारतीय का नाम क्या है, विदेशी धरती पर पहली बार किसने झंडा फहराया, मैडम भिखाजी कामा, कहाँ फहराया, जर्मनी के स्टूटगार्ट में, कब फहराया, 1907 में, पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहरा 1907 में जर्मनी के स्टूटगार्ट में, मैडम भिखाजी कामा, याद रखिएगा, ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी भी थी, इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, पहली बार विदेशी धरती पर कहां झंडा फहराया गया, जर्मनी के स्टूटगार्ट में, कब फहराया गया, 1907 में, किसने फहराया, मैडम भिखाजी कामा। चलिए आगे आ जाओ, वॉइस ऑफ इंडिया ये किसकी पत्रिका है, वॉइस ऑफ इंडिया एक और मैगजीन है, रफ्त गुफ्तार,
रफ्त गुफ्तार। लिखो गुरु, वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुफ्तार, ये दोनों पत्रिका किसकी है? रफ्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया, ये दोनों दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी का मैगजीन है रफ्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया। और याद रखो गुरु, ये वही दादा भाई नौरोजी हैं, ये वही दादा भाई नौरोजी हैं जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहा जाता था। रट लो, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कब कब भैया? पहली बार 1886, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार 1906। दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय GDP निकाला। भारत का पहली बार नेशनल इनकम किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही प्रति व्यक्ति आय भी निकाला और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 में हुआ था। लंबा लंबा कमेंट कर रहे हैं, पढ़िए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका बंगाली की भाषा क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका बंगाली किस भाषा में थी, पूछ रहा है। चलिए विजय भवा, बहुत शानदार बताया आपने, पर कैपिटल इनकम 20 रुपया थे, भी सही बात है। चलिए बहुत शानदार भाई विजय भवा। नीतू कुमारी, रिजेश, सरोज, रोजी, फातिमा, अमित कुमार, कोमल भारती, रोशन जी, चलिए सभी को शुभकामना मेरे भाई। सेशन को लाइक कर दीजिए। चलो जब पानी उनी भी पीते रहिए, आप लोग भी पीते रहिए, तना होगा तो एनर्जी मिलेगा। हालांकि पानी में कोई एनर्जी नहीं होता, पता है आपको? एक क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश PCS में कि एक गिलास पानी में कितना एनर्जी होता है, 10 जूल, 1 जूल, 15 जूल, 100 जूल और शून्य, तो उसका आंसर शून्य होगा। पानी में कोई एनर्जी नहीं होता, केवल तरावट और ताजगी महसूस होगा। ये भी लिख लो कॉपी में, एक ग्लास पानी में कोई एनर्जी नहीं, शून्य, पूछा गया क्वेश्चन है। चलो भैया आगे आ जाओ, बंगाली पत्रिका, नाम है बंगाली, भाषा है अंग्रेजी। बंगाली भाषा पत्रिका बंगाली, भाषा अंग्रेजी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक बुक भी है, एक किताब भी है, उस किताब का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग। लिखो भैया, अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पुस्तक है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, बंगाली भाषा में, अंग्रेजी बंगाली पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपी। ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया था। इंडियन एसोसिएशन एक संस्था, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन गुरु, इंडियन एसोसिएशन संस्था किसने बनाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के दूसरे ICS ऑफिसर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के दूसरे ICS ऑफिसर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के दूसरे ICS ऑफिसर थे। लिख लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के दूसरे ICS ऑफिसर थे। लिख लो भैया, आगे आते हैं, आगे आओ। सुब्रमण्यम भारती, आज थोड़ा स्पीड हम लोग का ठीक है। सुब्रमण्यम भारती का संबंध किस भाषा से है? सुब्रमण्यम भारती का संबंध किस भाषा से है? जल्दी बताओ। सुब्रमण्यम भारती का संबंध तमिल, तेलुगु, मलयालम किससे है? जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। सुब्रमण्यम भारती का संबंध किस भाषा से है? जल्दी फटाफट, चेक नहीं करना है, उत्तर देना है, बता चुके हैं।
सुब्रमण्यम भारती का संबंध किस भाषा से है, जल्दी चेक नहीं करना गुरु, किस भाषा के कवि हैं? एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं, तमिल भाषा, तमिल। सुब्रमण्यम भारती का संबंध तमिल भाषा से है, कई बार तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर कई बार पूछा गया सवाल है इसलिए बता दिया। आगे आओ, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? आपको पता है जैसे सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, सुन लो, सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड भारत में, इंडिया में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वैसे ही साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ है। पहला ज्ञानपीठ मलयालम भाषा के लिए मिला था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को, लिख लो भैया, पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को, मलयालम केरल की भाषा है, केरल की भाषा मलयालम है, मलयालम भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला। लेकिन पूछा जाए पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ मिला, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ मिला उनका नाम है आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला आशा पूर्णा देवी, पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ मिला था बंगला भाषा के लिए, बंगला के लिए, पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला जी शंकर कुरूप, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला आशा पूर्णा देवी बंगला के लिए। अब आप बताइए हिंदी के पहले व्यक्ति कौन थे, हिंदी के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ज्ञानपीठ मिला था? तो लिखो सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत, लिख लो, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा, हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा, हिंदी के पहले पुरुष सुमित्रानंदन पंत, वैसे पहले व्यक्ति कौन थे जी शंकर कुरूप, वैसे पहली महिला कौन थी आशापूर्णा देवी, याद रहेगा। उसी तरह से पूछा जाए कि पहले व्यक्ति जिनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला वो व्यक्ति कौन थे, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। आगे आओ, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, पीटी उषा, कर्णा मलेश्वरी, अंजू बॉबी जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, याद कर लो सन 2000 की बात है, ओलंपिक हो रहा था सिडनी में, सिडनी में, और पहली महिला जिसने कांस्य से पदक जीता था, कांस्य से पदक जीता वेट लिफ्टिंग में, किसमें जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था। और सुन लो मेरे भाई, ये वही महिला हैं जो आज दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, दिल्ली में पहली बार खेल विश्वविद्यालय बनाया गया हाल ही में, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय बनवाया है, उसकी पहली चांसलर भी कौन बनी है, यही कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, यानी कोई मेडल, ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी, कर्णम, कर्णम मलेश्वरी, जो कब जीती 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में, ये पहली महिला बनी जो ओलंपिक में मेडल जीती थी। अब वर्तमान में कर्णम मलेश्वरी कहाँ हैं, तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। भारत में कितने लोगों को अभी तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इंडिया से संबंधित, भारत से संबंधित कितने लोगों को अभी तक क्या मिला है, साहित्य का नोबेल मिला है, इसका उत्तर दीजिए, कुछ सुनिए, सुनो, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, और भारत की पहली महिला लोकसभा सचिव यह है स्नेहलता श्रीवास्तव, भारत की पहली महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, याद कर लीजिए। और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली लड़की आरती साहा, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली लड़की आरती साहा, ये सब याद कर लीजिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी तक कितने लोगों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? दो लोगों को। पहला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, पहला व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ये पहले भारतीय भी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। गुरु पहले, और दूसरे व्यक्ति थे जो इंडियन तो नहीं हैं, हैं इंडिया से पर बस गए कहीं और जाके, त्रिनिदाद से हैं गुरु, इनको 2002 में मिला था। तो गुरु इनका नाम है बी एस नायपाल। तो भारत के अभी तक दो व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत में अभी तक दो व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, एक है बी एस नायपाल और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। अभी तक भारत में कितने लोगों को मिला नोबेल प्राइज? तो 8 लोगों को। कौन कौन? सुन लो, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में 2 लोगों को, साहित्य में 2 लोगों को मिला रविंद्रनाथ टैगोर और बी एस नायपाल। फिजिक्स में भी 2 लोगों को मिला, फिजिक्स में 2 लोगों को मिला सी वी रमन और एस चंद्रशेखर। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2 लोगों को मिला, सी वी रमन और एस चंद्रशेखर। फिर लिखो आगे लिखो गुरु भैया। और मेडिसिन में मिला 1 लोगों को, मेडिसिन में मिला 1 लोगों को हरगोविंद खुराना। केमिस्ट्री में मिला 1 लोगों को जिसका नाम है एस रामकृष्णन। और शांति में मिला 2 लोगों को, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मिला 2 लोगों को, अभिजीत बनर्जी और अमर्त सेन। इतना याद कर लो, क्या है? हाँ ठीक है, समझे बात। साहित्य में 2 लोग, फिर से बोल रहा हूँ, साहित्य में 2, रविंद्रनाथ टैगोर और बी एस नायपाल। फिजिक्स में 2, सी वी रमन एस चंद्रशेखर। शांति में 2, मदर टेरेसा कैलाश सत्यार्थी। और अर्थशास्त्र में 2, इकोनॉमिक्स में भी 2, कौन कौन? अमर्त सेन, अभिजीत बनर्जी और मेडिसिन में एक हरगोविंद खुराना और केमिस्ट्री में भी 1 रामकृष्णन। चलिए आगे आओ। भारत में एकमात्र आईसीएस ऑफिसर जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था आजादी के दौरान, भारत में एकमात्र आईसीएस ऑफिसर जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। और हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तोहफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो लगातार मेहनत करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए। भारत के एकमात्र आईसीएस होगा, यहां पर गलती से टाइप हो गया है, एकमात्र आईसीएस ऑफिसर कौन थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एकमात्र आईसीएस थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। कोलकाता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स डिपार्टमेंट, कलकत्ता में पहली बार इंडिया में टैक्स डिपार्टमेंट, पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई? पहली बार भारत में कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसके समय किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पहली बार
कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया, और भी सुन लो, कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में, पोस्ट ऑफिस भी भारत में पहली बार, कलकत्ता में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पहला पोस्ट ऑफिस खुला, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता में पहली बार मदरसा खुला, इस्लामिक एजुकेशन के लिए मुसलमान भाइयों के पढ़ने के लिए कलकत्ता में पहली बार मदरसा खुला, और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पहली बार हिंदू भाई को संस्कृत सिखाने के लिए बनारस में पहली बार संस्कृत कॉलेज भी खोला गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने लड़ाई किया, और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही बनारस के नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दे दी गई, बनारस के नंद कुमार नामक ब्राह्मण को फांसी दे दी गई। चलिए, और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर था, लिख लो ये भी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर, कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट भी इसी के समय बना था, कलकत्ता में पहला पोस्ट ऑफिस, कलकत्ता में पहला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलकत्ता में पहली बार मदरसा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। चलिए आगे आओ, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे है? चलिए हम लोग काफ़ी स्पीड में आज चल रहे हैं, नहीं 40 क्वेश्चन पहुंच गए बहुत जल्दी, गुरु टेंशन ना लो, आज हम तो 100 किसी कीमत पे पार करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे है? जो बताएगा उसे मिलेगा भोलेनाथ का प्रसाद। चलो भैया, जो बताएगा उसे मिलेगा लड्डू। चलो भाई जल्दी बताओ, कौन बताएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे है? बागमती। बागमती नदी के किनारे नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की जो स्थापना हुई है वो हुआ है गुरु 1985 में। सार्क में टोटल सदस्य, कुल सदस्य कितने हैं? सार्क में कुल सदस्य हैं 8। सार्क में कितने मेंबर? 8। इंडिया भी मेंबर है। स्थापना 1985 में। सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क में कितने मेंबर? 8। सार्क की स्थापना 1985 में, मुख्यालय काठमांडू में। और काठमांडू में और क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है, कभी घूम के आइए तब ना पता चलेगा, पशुपतिनाथ मंदिर। और काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे आओ, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ? सती प्रथा का अंत इनमें से किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ? जल्दी बताओ, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, जल्दी बोलो गुरु, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही ठगी प्रथा का अंत भी हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में, और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ सती प्रथा का अंत, और ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन के प्रयास से हुआ। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ, लेकिन ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन के प्रयास से हुआ। सती प्रथा का अंत 1829 में, सती प्रथा का अंत 1829 में, ठगी प्रथा का अंत 1830 में। और लिख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखो, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, दोनों लिख लो। भारत के पहला गवर्नर पूछे
तो अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछे तो अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का पहला मेडिकल कॉलेज भी बनवाया गया 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में खोला गया, 1835 में खोला गया बेंटिक के समय। चलिए स्क्रीनशॉट आ गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति जो अंग्रेजों उस लड़ाई में ब्रिटिश सरकार को जीत मिला, उस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, लेकिन उनको पता था कि 57 जैसी क्रांति दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि इस क्रांति में कितना नुकसान हुआ, उनके भी कई लोग मारे गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे गए। भैया मैं बता दूं कि महारानी विक्टोरिया नहीं चाहती थी कि 57 जैसी कोई क्रांति दोबारा हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया भारतीयों के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा ये अगर ये पूछा जाए महारानी विक्टोरिया का घोषणा किसने पढ़ा, तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा। गुरु महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। और कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को आया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारतीयों को खुश करने के लिए, ताकि 57 जैसी क्रांति ना हो दोबारा। और घोषणा पत्र जारी हुआ, किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। एकदम डेट याद रखना, 1 नवंबर 1858। एक बात और जान जाओ 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये वही कैनिंग है, लिख लो, ये वही कैनिंग है जिसके समय में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। भारत में पहली बार बजट पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालय बने। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना, पहली बार भारत में हाई कोर्ट बना, पहली बार इंडिया में हाई कोर्ट बना 1861 में, 1861 में, वो भी किसके समय बना? लॉर्ड कैनिंग के समय। पहला बजट लॉर्ड कैनिंग, पहली बार भारत में विश्वविद्यालय लॉर्ड कैनिंग, और पहली बार हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग। चलिए अभी जानते हैं ना, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लिख लो, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लिख लो, और भारत का पहला वायसराय भी, भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। चलिए कोलकाता में डायमंड हार्बर से कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। कब? 1852 में, लिख लो, पहली बार भारत में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच पहली बार भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ। किस गवर्नर के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, क्या होगा भैया? किसके समय भारत का पहला टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में, किसके बीच? कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच। याद रखना, एक बात और जान जाओ, ये वही डलहौजी है जिसने राज्यों को हड़पने के लिए क्या लाया? हड़प नीति। ये वही डलहौजी है जिसने राज्यों को हड़पने के लिए लाया हड़प नीति, और हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा का रोक लगा दिया। जिसका कोई संतान नहीं वो राजा गोद नहीं ले सकता, उसके मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी, इसी को बोलते हड़प नीति। लिख लो, डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य था सतारा। डलहौजी के हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य था सतारा।
डलहौजी के हड़प नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? सतारा। ये वही डलहौजी है जिसने 1896 में जिन्होंने 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। क्वेश्चन आता है कि एकमात्र राज्य कौन था जिसे डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया? एकमात्र राज्य कौन था जिसे डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया? तो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा 1856 में। डलहौजी के समय ही भारत का पहला रेल चला। भारत में पहला रेलवे डलहौजी के समय चला। डलहौजी के समय भारत का पहला रेल चला ठाणे से बंबई के बीच 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को ठाणे से बंबई के बीच पहला रेल चला। पहली बार भारत में कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत हुआ डलहौजी के समय। भारत का पहला विद्युत विभाग, भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये भी डलहौजी के समय बना। चलिए आगे आ जाओ। शिमला का सन्यासी, किस व्यक्ति को शिमला का सन्यासी कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला, किस व्यक्ति को शिमला का सन्यासी? शिमला को भारत का क्या बोलते हैं जी? शिमला को भारत का नहीं बल्कि यहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और शिमला का संत एओ ह्यूम को कहा जाता है। एओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है और ये वही एओ ह्यूम है। सुन लो, एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये वही एओ ह्यूम हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम को कहते हैं। कांग्रेस के पहले महासचिव ये भी एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। जब 57 की क्रांति हुआ उस समय इटावा के मजिस्ट्रेट कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। चलो भैया आगे आ जाओ। पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर के समय आया? पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर के समय आया? यानी क्या कि भैया 7 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करना है। महिलाएं 13 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। जितना काम उतनी मजदूरी मिलना चाहिए। पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर के समय आया? लॉर्ड रिपन के समय। और याद रखो ये वही लॉर्ड रिपन है जिसके समय में भारत का पहला कारखाना अधिनियम आया, जिसके समय में भारत में पहली नियमित जनगणना हुआ। भारत की पहली नियमित जनगणना रिपन के समय। भारत में पहली बार नगर निगम और पंचायती राज रिपन के समय। भारत में पहला नगर निगम और पंचायती राज रिपन के समय। और रिपन के समय ही पहला कारखाना अधिनियम, पहली बार नियमित जनगणना और सिविल सेवा की उम्र को दोबारा 19 से 21 कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। और रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल सबसे फेमस है। इल्बर्ट बिल आया, रिपन के समय इल्बर्ट बिल भी आया कारखाना अधिनियम के साथ साथ। आ गया हो, विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लव और हार्डिंग वायसराय था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था, लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब वायसराय भारत का कौन था? भाई जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। जब समाप्त हुआ तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भाई जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आ गया ये। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढिंगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। उस समय वायसराय कौन थे? 1 जुलाई 1909 डेट याद रखो। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढिंगरा ने
कर्जन वायली की हत्या कर दी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो के समय ही मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली को गोली मार दी। और मिंटो के समय ही खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मिंटो के समय ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने लिखो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका। और याद रखिए इस घटना में खुदीराम बोस को फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी फरार हो गए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? एक बार गुरु सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वां शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कलिंग किसको बोलते हैं? तटीय उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को कलिंग कहते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध के बाद 13वां शिलालेख मेरे भाई, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक हिंसा छोड़कर कहाँ चला गया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसके कहने पर भी क्वेश्चन आता है, किसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो मोगली पुत्तिस से, उसका दोस्त था मोगली पुत्तिस से, जो बौद्ध संगति का अध्यक्ष भी था। मोगली पुत्तिस के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षित किया? उपगुप्त। पूछा जाए बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षा दी? किसने दीक्षा दी बौद्ध धर्म में? अशोक को कौन लाया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मोगली पुत्तिस से। दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। अब कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में। इसकी जानकारी किससे मिलता है? 13वें शिलालेख। अच्छा एक बात और, अशोक के अभिलेख भारत में भी मिला है, पाकिस्तान में भी मिला है और अफगानिस्तान में भी मिला है। भाई अशोक के अभिलेख सब जगह मिला है। भारत में अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में, कई बार क्वेश्चन आया है, और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि। लिखो भैया, ये कई बार आया है। अशोक के अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में, अशोक का अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। खरोष्ठी जो लिपि है ना, उसे लिखा जाता है दाएं से बाएं। हम लोग हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं ना, और हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं ऐसे, लेकिन खरोष्ठी उर्दू जैसा लिखा जाता है दाएं से बाएं। तो भैया भारत में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्ठी में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। अभी लिख लो, खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। चलिए आगे आइए, पहली बार सीसा के सिक्के किसने चलाए? पहली बार सीसा मतलब लेड के सिक्का किसने चलाया? एक और है पोटीन, सीसा और पोटीन का सिक्का, सीसा और पोटीन का सिक्का पहली बार किसने चलाया? पहली बार सीसा और पोटीन का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन। सातवाहन वंश के राजा ने पहली बार सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। और लिख लो, एकमात्र राजवंश जो मातृसत्तात्मक था, मतलब कि अपने नाम के पहले, एकमात्र राजवंश जहाँ के राजा अपने नाम के पहले पिता का नाम नहीं बल्कि माता का नाम जोड़ते थे। एकमात्र राजवंश जिसने जो अपने नाम के पहले पिता का नाम नहीं बल्कि माता का नाम जोड़ते थे। गौतमी पुत्र सत्कर्णी, यज्ञश्री सत्कर्णी, नाम सुना होगा, वशिष्ठी पुत्र पुलबामी, ये सब इस वंश के राजा का नाम है। और लिख लो, सातवाहन वंश का सबसे महान राजा गौतमी पुत्र सत्कर्णी था, जिसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। लिखो, सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन था? गौतमी पुत्र सत्कर्णी, जिसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। लिख लो ये भी, अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। सीसा और पोटीन के सिक्का पहली बार सातवाहनों ने चलाया। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के किस राजा ने पराजित किया? हर्षवर्धन, उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से था, इसके वंश का नाम था पुष्यभूति वंश, या इसी वंश को बोलते हैं वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश बोलिए या वर्धन वंश बोलिए, एक ही बात है भाई। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन की दो राजधानी, पहली राजधानी थानेश्वर, हर्षवर्धन की दो राजधानी, पहली राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन की दो राजधानी, पहली राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी कन्नौज। और हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश लिख लो, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और क्वेश्चन आता है कि जब लड़ाई खत्म हुआ, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जब युद्ध समाप्त हुआ, तो कौन सी नदी दोनों के बीच सीमा बनाई गई? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया हर्षवर्धन को और दोनों के बीच सीमा रेखा बनाई गई नर्मदा नदी, कोई भी लिख लो, सीमा रेखा बनी नर्मदा नदी। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच बाउंड्री बनाया गया नर्मदा नदी को। इस लड़ाई की चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन आता है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, इस बात की चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर होगा एहोल अभिलेख लिख लो। एहोल अभिलेख कब का है? 634 एडी का है। और किसने लिखा? रवि कीर्ति भाई लिख लो। रवि कीर्ति के 634 एडी में रवि कीर्ति के यह होल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और दोनों की बाउंड्री बनाई गई थी नर्मदा नदी को, दोनों की सीमा नर्मदा नदी को बनाई गई थी। और थानेश्वर और कन्नौज में ये दो राजधानी थी हर्षवर्धन की। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते। चलो हम लोग अर्धशतक लगा दिए, 50 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अब 50 से ऊपर अभी और है। तो गुरु टेंशन ना लो, अभी चलेगा क्लास लगातार 7:30-8 तक। राज जाने का मन करे, इच्छा करे तो सीधे से निकल जाना है। चलो गुरु, राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर लिखो भैया, राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर इनमें से कहाँ है? सुन लो मेरे भाई, इन दोनों मंदिर का निर्माण, इन दोनों मत कहिए, एक ही मंदिर का दो नाम है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा, राज राजा प्रथम ने किया था। और ये शिव जी का मंदिर था। ये किसका मंदिर था? शिव जी का। ये मंदिर था तंजौर में, उस जमाने का सबसे अमीर मंदिर, richest टेम्पल ही था राजेश्वर मंदिर। किसने बनवाया था? चोल वंश के राजा राजा प्रथम, जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजौर तमिलनाडु में है। तंजौर है कहाँ? तमिलनाडु में। तंजौर है तमिलनाडु में। और लिख लीजिए, कोयम्बटूर एक ऑप्शन है, ये भी तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे आइए, एरन अभिलेख किस गुप्त राजा का था? किस गुप्त राजा ने एरन अभिलेख बनवाया था? एरन ये मध्य प्रदेश का एक जगह है। एरन मध्य प्रदेश का एक जगह है, जो कहाँ है जी? दो नदियों के बीच में है, वीणा नदी और रेवता नदी के बीच में है। मध्य प्रदेश में वीणा नदी और रेवता नदी के बीच में एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, जो लिखवाया गया था 510 ईस्वी में। लिखो, एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के वीणा नदी और रेवता नदी के बीच में है। और लिख लो, पहली बार सती का प्रमाण, लिखो, सती प्रथा का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। लिखो भैया, भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। भारत में
सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए, और ये इसका आंसर होगा भानुगुप्त। किसका था गुरु? भानुगुप्त का। भाई गुप्त राज्य का एरन अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का। आगे आइए, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था ये पूछ रहा है। तो भैया राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लो गुरु, एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, बिहार के नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इसका निर्माण करवाया था, यहाँ जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लिखो, एलोरा का गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीनों धर्मों के लिए, लिख लो, हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। कई बार क्वेश्चन आया है एलोरा गुफा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, एलोरा गुफा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर तीनों होगा, हिंदू बौद्ध और जैन, तीनों धर्मों के लिए एलोरा गुफा। देखो केवल क्वेश्चन मत देखिए, जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूं उसे भी देखिए। भाई एलोरा गुफा हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के लिए है। और एक बात और जान जाओ, राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ये थे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट, मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। वैसे एलोरा गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों के लिए प्रसिद्ध है, अरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ। और सुनो, जैसे ही मेरा सेशन खत्म होता है घर पे जाने के बाद दम मत लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, सारे स्क्रीनशॉट को कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद खाना चढ़ेगा। कुकर चढ़ेगा गैस चूल्हा पर तब, या भुंजिया भुंजाएगा तब, जब 4 बार मेरा स्क्रीनशॉट पढ़ लिया जाएगा। चलो गुरु, शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 788 एडी में हुआ था और कब कहाँ हुआ था? केरल में, केरल के कालादी में। केरल में एक जगह है कालादी, केरल के कालादी में शंकराचार्य का जन्म केरल के कालादी नामक स्थान पर हुआ था। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए 4 मठ बनवाए थे। भारत में 4 मठ बनवाया था, बनवाया था। लिखो भैया, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ बनवाया। उत्तर में बनवाया कहाँ? बद्रीनाथ। शंकराचार्य का उत्तर में कौन सा मठ? बद्रीनाथ। पश्चिम में कौन सा मठ? द्वारका। और पूरब में कौन सा मठ? पूरब में पुरी में, और दक्षिण में श्रृंगेरी। लिख लो भैया, दक्षिण में श्रृंगेरी। लिखो, शंकराचार्य का पूरे भारत में 4 मठ। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ बनवाए। उत्तर में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पड़ता है उत्तराखंड में। पूरब में पुरी, ये पड़ता है उड़ीसा में। पश्चिम में द्वारका, ये पड़ता है गुजरात में। और दक्षिण में श्रृंगेरी, ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। स्क्रीनशॉट ले लो, शंकराचार्य का जन्म क्या है, क्या लिखे भैया? ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, नवनीत कुमार पूछ रहे हैं। सब्सिडरी में हिस्ट्री पॉलिटिकल है, तो सब्जेक्ट में हिस्ट्री पॉलिटिकल चूज कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत शानदार, हिस्ट्री पॉलिटिकल कर सकते हैं नवनीत भाई, बहुत शानदार है। चलिए, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब क्या पूछ रहे हैं दीपू भाई। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आ गया हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
किस देश से ली गई है, संविधान संशोधन लिखो, ये आता है अनुच्छेद 368 में। भारत में संविधान संशोधन किस में आता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में आता है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में आता है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। रुकिए भाई, चलिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, संविधान संशोधन तीन तरीके से होता है, लिख लो, संविधान संशोधन तीन तरीके से होता है। पहला तरीका साधारण बहुमत से, दूसरा तरीका विशेष बहुमत से, और तीसरा तरीका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। संविधान संशोधन तीन तरीके से होता है, पहला तरीका साधारण बहुमत से, दूसरा तरीका विशेष बहुमत से, और तीसरा तरीका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो, लिंक कॉपी करके शेयर भी कर दो, गुरु जी के सेशन को कोने कोने में पहुंचा दो गुरु, ये तेरा काम है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गुरु। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसे पेश किया गया, इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। लिख लो भाई, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और गुरु मैं बता दूं, इसको पेश करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको पेश करने वाले व्यक्ति थे पंडित नेहरू। और संविधान सभा के बारे में कई सारी बातें हैं, जान जाइए। भारत में अंतरिम सरकार और संविधान सभा, ये दोनों बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था भारत में संविधान सभा और अंतरिम सरकार। एक बात और जान जाओ गुरु भाई, कैबिनेट मिशन अंतिम योजना थी, सरकार की अंतिम योजना थी जिसमें भारत पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश की गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, अंतिम प्रयास सब तो किया था उन्हीं लोगों का था, अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो शासन करो, उसी का नतीजा था पाकिस्तान बन रहा था, लेकिन अंतिम प्रयास बेचारा पाप धो रहा था। कैबिनेट मिशन वो अंतिम प्रयास था जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की गई, मुस्लिम लीग को पार्टी बनाया गया अंतरिम सरकार में भी, और मुस्लिम लीग को पार्टी बनाया गया संविधान सभा में भी। हाँ सर, आइए, आ गए, आइए ना भाई। अब भाई आपको लाइव लड़का शिकायत कर रहा है आपसे कि लाइव थोड़ा कम कर दिया आप, आज भर नहीं लिया। अच्छा, आज भर लेना है, लेना है अभी तत्काल, 7 तारीख तक किसी को छोड़ना नहीं है, आज नहीं है, कल से। ये सब मेरे भाई बहन बंधु हैं, इनका सिलेक्शन हमारा जिंदगी है, आज भर सर कल छोड़। हाँ तो लाइव सर आएंगे रोज, और लाइव सेशन देखना है सबको, सबको देखना है गुरु, क्योंकि अब 3 दिन वो लकीर खींचनी है जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। चलो भैया, बनेगा नजीर, बस वो दशरथ मांझी वाला लाइन है ना याद, कि जब तक तोड़े, क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, नहीं तब तक छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बस देखिएगा सर का सेशन, चलते भैया आगे आ जाओ। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव सुनो, कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा बना, और संविधान सभा जो बनी उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। और मैं बता दूं, शुरुआत में संविधान सभा में 389 मेंबर थे, शुरुआत में जब संविधान सभा बना तब 389 मेंबर थे, 389, लेकिन जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई तब संविधान सभा में कितने मेंबर हो गए? 299। भैया जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई तब संविधान सभा में 299 मेंबर हो गए, लेकिन जब
मुस्लिम लीग थी तब 389, शुरुआत में संविधान सभा में 389 मेंबर, बाद में 299 मेंबर, और संविधान सभा में एक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या में किया गया था। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में एक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या में से किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और उसमें कांग्रेस के उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सज्जनानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सज्जनानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब पूछा जाए भारत और पाकिस्तान को के बंटवारा को रोकने का अंतिम प्रयास कैबिनेट मिशन, चलिए आगे आओ, इनमें से कौन सा संशोधन दल बदल से संबंधित है? अभी बताया हूं, राजीव गांधी के समय ही गंगा एक्शन प्लान आया, गंगा जी के सफाई का पहली बार प्लान, गंगा जी के सफाई का पहली बार प्लान आया राजीव गांधी के समय, और राजीव गांधी के समय ही दल बदल आया, और राजीव गांधी के समय ही वोट देने की उम्र को 21 से 18 किया गया। तो गुरु, दल बदल कानून आया पहली बार 52वां में और दूसरी बार 91वां में, तो दोनों सही होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी भाई दो संशोधन, दल बदल को लेकर संविधान का दो संशोधन, दल बदल को लेकर संविधान का दो संशोधन, 52वां संशोधन 1985 और 91वां संशोधन 2003। भाई दो बार हुआ दल बदल को लेकर दो संशोधन 1985 और 2003 में। सुनिए, शुरू में नियम था कि कोई व्यक्ति अगर अकेले दल बदल करता है तो उसकी कंडीशन रद्द कर दी जाएगी। जिस पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, सुनो पहले, जिस पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद यदि किसी और पार्टी में चला जाता है अकेले, तो उसकी उसका जो विधायकी है, उसकी जो सांसदी है, वो रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा चुनाव होगा। ये नियम था। दूसरा, अगर कोई आदमी निर्दलीय चुनाव, किस कब माना जाएगा दल बदल, कब माना जाएगा दल बदल, ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, कब माना जाएगा दल बदल? जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करे तो माना जाएगा दल बदल। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीते, बिना किसी दल के भी चुनाव लोग जीत जाते हैं, और वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तब माना जाएगा दल बदल। ऐसे नहीं, अगर कोई मंत्री बनता है, बाहर से सपोर्ट करके मंत्री बन गया, तब कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मान लीजिए हम चुनाव जीत गए और जदयू में ज्वाइन कर लिए, पार्टी का सदस्यता ले लिए, तब दल बदल माना जाएगा। और तीसरा, अगर किस पार्टी, जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं उसके खिलाफ संसद में वोट डालते हैं या अनाप शनाप बोलते हैं, तब भी माना जाएगा दल बदल। और दल बदल पर अंतिम निर्णय लिखो, दल बदल पर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर। दल बदल पर अंतिम निर्णय लेता है स्पीकर, लेकिन उसको आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसे आप अपील कर सकते हैं। दल बदल पर अंतिम निर्णय लेता है स्पीकर, अंतिम निर्णय लेता है स्पीकर, लेकिन आपको लगे कि स्पीकर ने गलत निर्णय लिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। तो गुरु, पहले नियम था कि अगर आप निकलना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद पार्टी से, तो टोटल जितना लोग जीते हैं चुनाव उनका एक तिहाई लेकर निकलिएगा तो आपको दल बदल नहीं माना जाएगा। ये था नियम पहले, कि अकेले निकलेगा तो माना जाएगा, लेकिन एक तिहाई आदमी को लेकर निकलिएगा ना, सुन लो पहले तब लिखना, तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन अब नियम बना 91वां में, क्या कर दिया गया कि दो तिहाई, एक तिहाई से न बात बनेगा, दो तिहाई लोगों को लेकर निकलिएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में जो शिवसेना था उसके बहुत सारे विधायक चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ चले गए, तो देखा होगा 39 लोग गए, तो टोटल में 39 लोग शिवसेना के टोटल विधायक का 2/3 आता है, तो 2/3 में 39 लोग टोटल विधायक का 2/3 आता है, तो 2/3 लोग गए थे। आगे आओ, नेक्स्ट, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाता है, बड़ी शानदार सवाल, आज का सवाल तो खैर पूछो मत, आज जो सेशन नहीं देख रहा है वो थोड़ा सा नुकसान कर रहा है। गुरु, कोई व्यक्ति यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाता है, लोकसभा में भी जीत गया राज्यसभा में भी जीता हुआ था, ऐसे में उसको कितने दिन में बताना पड़ता है, कितने दिन में बताना होता है अधिकतम कि किस सभा में रहेगा? जल्दी बताओ, कितने दिन में कहना होता है? अगर नहीं बताया तो कौन लचल जाता है,
राज्यसभा वाला। याद रखो, यदि उसने नहीं बताया तो राज्यसभा वाला चला जाता है अपने आप, लोकसभा नहीं जाता। तो गुरु 10 दिन में बताना होता है। 10 दिन में यदि वो बताया तो बताया, नियम है कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होता है कि वो किस सभा में रहेगा। नहीं बताया तो राज्यसभा वाला खत्म कर दिया जाता है। चलिए आगे आओ। राज्यसभा को लोकसभा से विशेष शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? वैसे तो कहते हैं कि राज्यसभा को पावर लोकसभा से कम है, वैसे तो यह बोला जाता है कि राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम है, लेकिन लेकिन गुरु कुछ मामले ऐसे हैं जहां लोकसभा से राज्यसभा को ज्यादा पावर है। कौन कौन सा अनुच्छेद? तो भैया इसमें आंसर होगा एक से अधिक, अनुच्छेद 249 और 312। ये क्वेश्चन आता भी है कि मात्र दो अनुच्छेद, कौन कौन से ऐसे दो अनुच्छेद, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लोकसभा से ज्यादा शक्ति राज्यसभा को देता है? भैया वैसे तो लोकसभा को ज्यादा पावर है राज्यसभा से, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान में जो लोकसभा से राज्यसभा को अलग बनाता है। भैया 249 और 312, 249 क्या है समझ लो, 249 है कि यदि राज्य सूची के विषय पर क्वेश्चन आता है ना, कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो केवल राज्य सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषय पर सुनना ज्यादा जरूरी है लिखने से, राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्यसभा बनाता है, लेकिन यदि लोकसभा को, यदि लेकिन राज्य सॉरी राज्य सूची के विषय पर कानून केवल राज्य सरकार बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का मन है तो क्या करेगी? अगर चाहे केंद्र सरकार कि हम राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं तो सबसे पहले उसे राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर यदि केंद्र कानून बनाना चाहे तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा से 2/3 बहुमत से परमिशन लेना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से राज्यसभा परमिशन दे दे कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए तो बना सकता है, बिना राज्यसभा के परमिशन के नहीं हो सकता। और देश में यदि ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना करना है, अनुच्छेद 12 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवा, अगर पूछा जाए अखिल भारतीय सेवा का गठन किसमें है गुरु, अनुच्छेद 312 में, ये भी कौन करता है, केवल राज्यसभा। भारत में यदि नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो इसका गठन भी कौन करता है, राज्यसभा। अभी तक भारत में कितने अखिल भारतीय सेवा है, 3, कौन कौन, IAS, IPS और IFOS। भाई अभी तक भारत में 3 ही ऐसी सेवा है जिसको अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, लिख लो, भारत में मात्र 3 सेवा अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS और IFOS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। IAS को 1947 में बनाया गया, IPS को 1947 में ही बना दिया गया था, IFOS को 1966 में बनाया गया। भारत में अभी तक 3 ही है। अखिल भारतीय सेवा का दर्जा IAS और IPS को कब मिला, 1947 में, और IFS को कब मिला, 1966 में। और कोई नई सेवा, अगर किसी नई सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देना है तो अनुच्छेद 312 के तहत केवल कौन देगा, राज्यसभा, इसमें लोकसभा का कोई पावर नहीं है। चलिए तो चलो, मात्र दो ऐसे अनुच्छेद है 249 और 312 जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक भारत में 3 ही सेवा अखिल भारतीय सेवा है। अगला हो, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, शॉर्ट में बोलते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनमें से किस अनुच्छेद में आता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323, 324 में निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग। अभी वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार। पूछा जाए वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रमुख कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग 324 में, लिख लीजिए भैया, और 323 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। शुरुआत में जब निर्वाचन आयोग बना तो उसमें एक मेंबर होता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होते हैं, 3,
भाई पूछा जाए, जब निर्वाचन आयोग बना 1951 में, पहली बार निर्वाचन आयोग बना 1951 में, तब उसमें कितने मेंबर थे? एक। अब कितने मेंबर हैं? तो तीन। और उसके चीफ कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में। चलो गुरु आगे आ जाओ, राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाना है केंद्र सरकार को तो किससे परमिशन लेगा? अभी बताया हूं, केंद्र सरकार को यदि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो किससे परमिशन लेगा? राज्यसभा से। किस अनुच्छेद में? 249। कितना बहुमत से परमिशन लेगा? ये पूछ रहा है। कितना बहुमत से? दो तिहाई। कितना बहुमत से परमिशन लेगा? अभी तो बताए हैं गुरु, भुला जाओगे कनपट्टी टूटेगा। चलिए एक बार सेशन को जुड़ गए, अभी जो लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो भैया आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला। किस अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है? भूमि सुधार, भाई अभी तक भारत में कितनी अनुसूची जोड़ा गया है? अभी तक भारत में 12 अनुसूची। अभी वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? संविधान में कितनी अनुसूची? तो कुल 12 अनुसूची। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी, जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी अनुसूची है? 12। संविधान बना तो कितनी अनुसूची थी? 8। अब कितनी है? 12। लिखो, सुनो भैया, पहली अनुसूची सुन लो, काम आएगा। पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद भी यही कहता है, अब पहली अनुसूची भी यही कहता है। पहला अनुच्छेद और पहली अनुसूची दोनों में क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची वेतन, दूसरी अनुसूची वेतन, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, तीसरी अनुसूची शपथ रट लो। पहले वेतन लेंगे तब ना कसम खाएंगे जी, शपथ लेना माने कसम खाना, कसम खाएंगे तब जब पहले वेतन दोगे, तो पहले वेतन तब शपथ, ऐसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा, पहले वेतन तब शपथ। तो लिखो, पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या भैया? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। और छठी अनुसूची, छठी अनुसूची लिख लो, छठी अनुसूची में क्या है भैया? असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, चार राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। सातवीं अनुसूची में तीन सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषा। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, नौवीं अनुसूची इसका आंसर होगा भूमि सुधार। आठवीं अनुसूची में भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषा, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार। और दस से दसवीं और दस से दल बदल, दसवीं अनुसूची में दल बदल, दसवीं अनुसूची में दल बदल। और ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज, ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज। और बारहवीं अनुसूची में नगर निगम। चलिए भूलना मना है इतनी बात, पूरा मेहनत कर रहा हूं गुरु, सिलेक्शन ना हुआ तो कनपटिया देंगे। चलो भैया, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के किस भाग को भारतीय, सुन लो कितना है, कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। प्राइमरी में 1 पर 11 लोग हैं, मिडिल स्कूल में 1 पर 12 लोग हैं, और 9-10 में 1 पर 8 लोग हैं, और 11-12 में 1 पर 2 लोग हैं। मैंने सबसे ज्यादा, अगर आप 11-12 के लिए हैं एलिजिबल तो तैयारी आप 11-12 का करिए, श्योर नौकरी हो जाएगा। इस बार एकदम जानते हो, प्राइमरी में बढ़िया बढ़िया लड़का का नहीं हुआ, एक सिख पढ़ने वाला लड़के का नहीं हुआ, लेकिन 11-12 में इस बार सामान्य सामान्य बच्चों का, जो प्राइमरी में हो सकता था कि 200-30-40 नहीं लाएंगे, उनका भी 11-12 में हो गया है। 11-12 सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया वेतनमान, लेक्चरर कहलाता है उसमें। चलो भैया, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग तीन को कहते हैं, संविधान के भाग तीन को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और भारतीय भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार की बात की गई है। संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार की बात की गई है। शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने हैं? 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जब संविधान बना था तो 7 था, अब 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से।
मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, सब कहां से लिया गया? अमेरिका से। और अमेरिका से ही आया लिया गया महाभियोग भी। चलिए आ गया साइंस। हमने प्रॉमिस किया था कि आज साइंस भी रहेगा। भैया एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हैं अभी, जुड़े हैं सब अभी, जो जस्ट जुड़े हैं लाइक कर दो। चलो, नाभिक की खोज किस विद्वान ने किया? नाभिक की खोज कौन से विद्वान ने किया और किस एक्सपेरिमेंट से किया? तो लिख लो, अल्फा अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया गया? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है। गुरु भाई बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। इस बात को बताने वाला पहला विद्वान कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही अल्फा बीटा और गामा रे का खोज किया था। अल्फा रे बीटा रे गामा रे का खोज रदरफोर्ड ने किया। अल्फा पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर माइनस चार्ज होता है, और गामा पर जीरो चार्ज होता है। अल्फा पर प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस चार्ज, और गामा पर जीरो चार्ज। अल्फा हीलियम के जैसा होता है, हीलियम, बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, और गामा वेव के जैसा होता है। अल्फा हीलियम के जैसा होता है, लिख लो, अल्फा हीलियम के जैसा होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, गामा तरंग के जैसा होता है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पर प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस चार्ज, गामा पर जीरो चार्ज, इन सब का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ये बताने वाला रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। रदरफोर्ड ने कहा, सुन लो, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है। लिख लो, रदरफोर्ड ने ही पहली बार बताया था कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान, रदरफोर्ड ने ही पहली बार बताया था कि परमाणु का पूरा मास नाभिक में होता है। चलिए एक बात और जान जाओ, एक चीज और जान जाओ, पहली बार इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में किसने बताया? पहली बार इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में किसने बताया? इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमती है ये बताने वाला पहला विद्वान था नील्स बोर। लिखो, इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में बताने वाला पहला विद्वान था नील्स बोर। राउंड जेन कौन था? एक्सरे का खोज। लिखो भैया, एक्सरे का खोज किसने किया? एक्सरे का खोज किसने किया? राउंड जेन। एक्सरे का खोज किसने किया? राउंड जेन। और याद रखो, राउंड जेन फिजिक्स का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जब नोबेल पुरस्कार बना तो फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार राउंड जेन को दिया गया था। फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज राउंड जेन को दिया गया एक्सरे के खोज के लिए। और इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में किसने बताया? नील्स बोर। और परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है किसने कहा? रदरफोर्ड। और याद रखो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? बताओ, जे.जे. थॉम्सन। अब लिखो, इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉम्सन ने किया। कौन से एक्सपेरिमेंट से? लिखो, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से लिखो, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, और बेरिलियम मेटल फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवा के जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे.जे. थॉम्सन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। चलिए ये सब बात नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। कितना बात बता दिया? नहीं जी, आज बहुत बात बताया, बस ध्यान से सुनो, टिके रहो, जाओ मत। चलो भैया, मोसले के आवर्त सारणी का निर्माण किसके आधार पर हुआ? भाई, मोसले के आवर्त सारणी को ही
हम आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। मोसले के आवर्त सारणी को ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस दिया गया था परमाणु संख्या के आधार पर, और इससे पहले कौन दिया था? मेंडलीफ ने। इससे पहले मेंडलीफ, इससे पहले मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी दिया था, आवर्त सारणी दिया था। उनका आवर्त सारणी था किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी था परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान। लिखो, मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर था, तथा मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर था। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर था, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। लेकिन मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर था। स्क्रीनशॉट ले लो, चलवा गया हो। मोसले के आवर्त सारणी में हैलोजन को किस ग्रुप, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है? लिख लो, असेशन को लाइक कर दो गुरु भैया। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और भैया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको रखा गया है 17वें ग्रुप में। मोसले के आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में रखा गया है किनको? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। और मोसले के आवर्त सारणी में टोटल 18 को ग्रुप है। मोसले के आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है, 18 वर्ग। और 18वां वर्ग में रखा गया है किसको? किसको रखा गया है जी? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस को, अक्रिय गैस। लिखो, मोसले के पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में रखा गया है अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस में कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, अरेडॉन, यही है भैया, बस इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैस जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, उसे बोलते हैं अक्रिय गैस। या जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ऐसे तत्वों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन। रट लो भैया, रट लो। अक्रिय गैस पूछता है परीक्षा में कौन कौन है, कौन नहीं है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, याद कर लो, इनको रखा गया 18वां ग्रुप में। और हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया 17वें ग्रुप में। जो रिएक्शन नहीं करते किसी से, वो अंधेरे में रहते हैं, तो उसके लिए क्या जलाते हैं? हैलोजन। याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो लोग किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करते, किसी से कोई संबंध नहीं रखते, वो कहाँ रहते हैं? अंधेरे में। तो उनको क्या जलाएंगे? हैलोजन। तो अगले बगल में रहेंगे तो ना। चलिए, सब ऐसा कुछ नहीं है, याद करने का तरीका है खाली। हैबर विधि से किसका निर्माण करते हैं? हैबर विधि से इनमें से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिप्सम, अमोनिया, क्या बनता है जी? हैबर विधि से अमोनिया बनता है। हैबर विधि से अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 भाई, अमोनिया बनता है। हैबर विधि से अमोनिया बनता है गुरु। चलिए, अमोनिया को क्या बोलते हैं? आंसू गैस भी बोलते हैं। अमोनिया को बोलते हैं आंसू गैस। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो। बताओ जी, अगर ये क्वेश्चन गलती किया तो कनपट्टी टूट जाएगा, कैमरा में हम घुस जाएंगे, गुरु चेला में होगा फैटी। चलो भैया, WWF होगा। एक्सरे की खोज किसने की? किसने, किस व्यक्ति ने एक्सरे की? टोटल 120 सवाल है गुरु, 120 सवाल, अभी तो पहुंचे हैं आधे पर। गुरु, एक्सरे की खोज किसने की? तो गुरु, एक्सरे की खोज किया किसने? राउंडजेन। इसी बात को लेकर इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज, फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज राउंडजेन को मिला एक्सरे की खोज के लिए। आ गया हो, भूस्थिर उपग्रह। चलो साइंस, केवल साइंस ही साइंस। तो लोग कह रहे थे साइंस लाइए सर, तो गुरु साइंस भी पूछा जाए। 40 क्वेश्चन जो GS का है ना, जो लड़का 40 नंबर को इग्नोर करेगा वो घाटे में रहेगा। गुरु 40 नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें GS का सारा विषय पूछेगा। टिके रहो, जुड़े रहो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। भूस्थिर उपग्रह जिसे धरती से, गलती लिखा है भाई, 36,000 होगा, जिसे धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं। भाई
ऐसा उपग्रह जिसे धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं भूस्थिर उपग्रह। नाम है भूस्थिर, भू माने धरती, भू माने धरती, स्थिर माने रुका हुआ। ऐसा उपग्रह, ऐसा सैटेलाइट जो धरती से रुका हुआ दिखे उसे बोलते हैं भूस्थिर उपग्रह। तो भैया भूस्थिर उपग्रह जो होता है, कोई भी चीज तब रुका हुआ दिखेगा जब आपका स्पीड उसका स्पीड बराबर हो। जब आपका स्पीड उसका स्पीड बराबर हो तो कोई वस्तु रुका हुआ दिखाई देता है। तो भूस्थिर उपग्रह का जो पूछा जाता है, भूस्थिर उपग्रह का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो कितना होता है? 24 घंटा, जितना धरती का होता है। धरती भी एक बार कितना देर में घूमती है? 24 घंटे में। धरती भी एक बार 24 घंटे में घूमती है, उसी तरह से जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भी एक बार 24 घंटे में घूमती है। इसका मतलब धरती का स्पीड उसका स्पीड दोनों बराबर है, इसीलिए धरती से स्थिर दिखाई देता है। और ऐसे उपग्रह को हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ते हैं। चलिए ये जरूर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आ गया हो, जड़त्व का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया। जड़त्व का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ इनर्सिया। कोई वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे बस में बैठा हुआ आदमी, एकाएक बस खुल गया तो पीछे झुक जाता है, और सामने में बस एकदम स्पीड में था और एकाएक ब्रेक लगा, कोई सामने आ गया, बस वाला ने ब्रेक लगाया, सारे लोग ड्राइवर के पास, सभी लोग कहां? ड्राइवर के पास। दे दनादन, दे मुक्का, दे मुक्का। अरे गाड़ी चलाने नहीं आता है, मार मुक्का। जब तक वो बोलेगा तब तक उसको मार के बेहोश कर दिए। होश में आया तो बोला कि सामने बच्चा आ गया था। तो बोले तब बोलना ना चाहिए था तुमको कि बच्चा आ गया था। अरे भाई बोलने का मौका उसको दीजिएगा तो ना बेचारा बोलेगा। गुरु जड़त्व का नियम ही है कि भाई बैठे हैं तो पीछे झुक जाइएगा चलने पर, चल रहे हैं एकाएक रुके तो आगे झुक जाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि चलती गाड़ी से कूदना खतरनाक भी है। चलती गाड़ी से कूद के रुक मत जाइए। कूदने का स्टाइल होता है, बिना टिकट यात्रा करने वाला जो लोग होते ना हैं, ट्रेन में विदाउट टिकट चलने वाले लोग ट्रेन से कूदते हैं, तो उनका अभ्यास होता है, कूद के कुछ देर दौड़ते हैं। आज डायरेक्ट कूद गया या तो पटरी के नीचे चल जाएगा या तो मुंह नाक टूटेगा। भाई कूद गए तो नीचे वाला हिस्सा तो रुक गया, और ऊपर वाला हिस्सा चाह रहा है कि भी चलते रहें, तो नाक के बल गिर जाइएगा। तो गुरु जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो। इसी को बाद में न्यूटन का पहला गति नियम भी बना दिया गया। जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला गति नियम बना दिया गया। गुरु लॉ ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है? केवल मास पर। लिख लो, जितना ज्यादा मास होगा, जिस वस्तु में जितना ज्यादा वजन होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा। भैया क्वेश्चन आ जाए, भैया मोटरसाइकिल और कार में किसका जड़त्व ज्यादा है? तो कार का। कार में और ट्रेन में किसका जड़त्व ज्यादा है? ट्रेन का। ट्रेन में और ट्रक में किसका जड़त्व ज्यादा? तो ट्रेने का। जिसका जितना द्रव्यमान उतना ज्यादा उसमें जड़त्व। हाँ गुरु याद रखो, ये वही गैलीलियो हैं जिन्होंने दूरबीन का खोज किया। दूरबीन का खोज गैलीलियो। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में किसने बताया? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में पहली बार किसने बताया? गैलीलियो। चलिए आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। एक वस्तु 80 डिग्री पर गर्म है। चलो न्यूटन ने एक नियम दिया था, न्यूटन ने एक नियम दिया, शीतलन नियम। शीतलन नियम जिसको कूलिंग्स लॉ कहते हैं, जिसको हम लोग शीतलन नियम को हम लोग अंग्रेजी में कूलिंग लॉ कहते हैं, कूलिंग लॉ। तो पूछा जाए, न्यूटन ने कहा कि जो वस्तु का तापमान जितना ज्यादा होगा वो उतनी तेजी से ठंडा होगा, और जिसका तापमान जितना कम होगा उतना धीरे धीरे ठंडा होगा। इसी को बोलते हैं कूलिंग्स लॉ। क्वेश्चन है, एक वस्तु का तापमान 80 डिग्री है, दूसरी वस्तु का तापमान 90 डिग्री है, कौन तेजी से ठंडा होगा? कौन तेजी से ठंडा होगा? 90 डिग्री वाला। जो जितना ज्यादा तापमान का वो उतनी तेजी से ठंडा होगा, और जो जितना कम तापमान का उतना धीरे धीरे ठंडा होगा। इसको क्या बोलते हैं? कूलिंग्स लॉ। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। वही न्यूटन जिसने गति का नियम दिया, वही न्यूटन जिसने गति का नियम दिया, वही न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, वही न्यूटन जिसने बताया कि सूरज के प्रकाश
सात रंगों का मिश्रण होता है। पहली बार न्यूटन ने ही बताया था कि सूरज का प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है गुरु। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। झूला पर बैठी लड़की यदि झूले पर खड़ी हो जाती है, झूला पर बैठी लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो क्या होगा उसका आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइमिंग, एक बार जाना एक बार आना, उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। गए और फिर आ गए, उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल घट जाएगा बढ़ जाएगा जब झूला पर, छोड़िए मैथमेटिक्स, मैथ छोड़िए, झूला पर बैठे थे, झूल रहे थे और खड़े हो गए तो झूला जल्दी जल्दी इसे सोने लगता है। देखें ऐसे कांपने लगता है झूला, इसका मतलब टाइम पीरियड घट गया कि बढ़ गया। भाग अभी जल्दी जल्दी हो लगा तो घट ना गया जी, तो घट गया। तो गुरु झूला पर बैठी लड़की झूला पे खड़ी हो जाए तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। वैसे टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है 2π रूट अंडर एल बटा जी, ये फार्मूला होता है। तो भैया खड़े हो गए, बैठल थे तो झूला का लंबाई ज़्यादा था, खड़े हो गए तो कम ना हो गया लंबाई। तो कोई भी भिन्न में यदि ऊपरे वाला कम हो जाता है तो पूरा भिन्न का मान कम हो जाता है। यानी कि छोड़िए फार्मूला, कोई झूला पर बैठे ऐसे ऐसे झूल रहे थे लेकिन अब खड़े हो गए तो झूला कांपने लगता है, गिरने गिरने हो जाते हैं आप, इसका मतलब कि टाइम पीरियड घट गया। एक क्वेश्चन और आता है कि चलो चांद के पार चलो, तो चांद के पार किसी को ले जाते हैं घुमाने के लिए, चलिए चांद के पार, मान लीजिए ले गए बड़ी खर्चा उर्चा करके, तो वहाँ पर झूला पर बैठी लड़की, झूला भी वही लड़की भी वही, तो टाइम पीरियड घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी झुलाइएगा, पैसा इतना लगा के ले गए तो आराम से ना झुलाइएगा जी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फार्मूला अब जैसे बता देता हूँ, फार्मूला में आ जाओ तो एल का मान वही रख दिए, झूला की लंबाई वही, लड़की वही, और जी का मान क्या होता है चांद पर 6 गुना कम हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। तो नीचे वाला जितना कम होगा पूरे भिन्न का वैल्यू और कम हो जाए, पूरे भिन्न का वैल्यू बढ़ जाएगा, नीचे वाला कम तो पूरे भिन्न का वैल्यू बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो मतलब धीरे धीरे झूलाएगा। तो भाई ये सब छोड़ो फार्मूला, चांद के पार जाओगे सेम लड़की सेम झूला को लेकर तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, झूला पे खड़े हो जाओगे तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। फार्मूला में मत बंधिए, आगे आइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सीधे याद कर लो, निकट है तो आओ, निकट है तो आओ, जब निकट का साफ दिखाई दे, जो साफ दिखाई देता है ना वही दोष होता है। जब निकट की वस्तु साफ दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, और जब दूर की वस्तु साफ दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, दूर वाला साफ ना दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष। निकट है तो आओ, अवतल लेंस। हाँ, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल, याद रहेगा ना कितना शानदार फॉर्मूला बताया। निकट है तो आओ यानी अवतल, निकट में अवतल, और दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो उत्तल। दूर दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग करते हैं। आगे आओ, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? भाई प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं? और हारना मना है गुरु, कभी भी जीवन में हार नहीं मानना। चलिए भैया, ये शिक्षक की भर्ती हमारे पानी में अक्ष देखकर खुश हो रहा था मैं, पत्थर किसी ने मारकर मंजर ही बदल दिया। चलो गुरु मंजर तो बदल चुका है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली कोशिका में सेल में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और लिखो भैया ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो प्रोटीन फैक्ट्री लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री सॉरी राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लिखो गुरु, और कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और लिख लो, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर किसको बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, ये बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। कई सारे सेल, कई सारे कोशिका को मिलाकर क्या बनता है? टीशू। कई सारे सेल को मिलाकर क्या बनता है? उत्तक, टीशू। और कई सारे उत्तक को मिलाकर बनता है अंग, और कई सारे अंग को मिलाकर बनता है अंग तंत्र, और कई सारे अंग तंत्र को मिलाकर बनता है शरीर, और कई सारे शरीर को मिलाकर बनता है समुदाय।
समुदाय। तो भाई पूछा जाए जीवन विकास के सबसे नीचे कौन है, कोशिका, जीवन विकास के सबसे ऊपर कौन है, समुदाय। जीवन विकास के सबसे नीचे कौन है, कोशिका, सेल, और सबसे ऊपर है कम्युनिटी। सबसे नीचे सेल, सेल के मिलने से बनता है उत्तक, उत्तक के मिलने से बनता है अंग, अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के मिलने से बनता है शरीर, और शरीर के मिलने से बनता है समुदाय। रट लो गुरु, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन स्वान ने दिया। चलो भैया आगे आ जाओ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, और ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल गॉल्गी बॉडी। चलो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, क्लोरोफिल पौधे का हरा रंग, जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। कौन? पौधे। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल हरे पत्तों में पाया जाता है, क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग, हरे पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, हरे पत्तों में पाया जाता है, उसमें एलिमेंट मिलता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट मिलता है उसमें, मिलता है मैग्नीशियम, याद कर लो, कई बार पूछा गया है, वीवीआई है गुरु। और क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है। आगे आ जाओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आओ। मिरास्मस, मिरास्मस बीमारी किसकी कमी से होता है? भाई बुजुर्गों में मिरास्मस, अब सुनो, जब बुजुर्ग में हो, जब एडल्ट में हो बीमारी तो मिरास्मस, वही बीमारी बच्चों में हो तो उसको बोलते हैं क्वासियोरकर, उसको बोलते हैं क्वासियोरकर, लिख लो, दोनों सेम बीमारी है। बच्चों में हो तो सेम बीमारी को क्वासियोरकर, एडल्ट में हो तो सेम बीमारी को मिरास्मस। ये होता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से मिरास्मस बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से मिरास्मस, और बूढ़ों में, और बच्चों में क्वासियोरकर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आइए। सेकेंडरी पेंडुलम, सेकेंडरी पेंडुलम मतलब जाने में एक सेकेंड और आने में एक सेकेंड, टोटल कितना सेकेंड? जाने में एक सेकेंड और आने में एक सेकेंड, कितना सेकेंड? दो सेकेंड। तो गुरु बोलने बस है, जाने में एक सेकेंड और आने में एक सेकेंड, टोटल कितना सेकेंड? दो सेकेंड। सेकेंडरी पेंडुलम का टाइम पीरियड दो सेकेंड, पेंडुलम माने आना जाना, जाने में एक सेकेंड और आने में एक सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पेंडुलम। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? दो सेकेंड। रट लो, और आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, टू पाई रूट अंडर एल बटा जी, जिसमें एल मतलब झूला की लंबाई, जी का मतलब, जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान। सुनो, जी का मान, स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुव पर। सबसे अधिक कहां होता है? लिखो, ध्रुव पर। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक, ध्रुव मतलब पोल पर, पोल पर, और सबसे कम, स्मॉल जी का मान सबसे कम, सबसे कम विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर। स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा, स्मॉल जी का मान सबसे ज्यादा ध्रुव पर, और सबसे कम विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर। याद कर लो, जी का मान एवरेज कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल दो सेकेंड। स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट गुरु, सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आओ। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? लिखो, आ गया। जहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी वहीं ज्यादा होगा। भाई जी का मान सबसे ज्यादा होगा, वहीं पर गुरुत्वाकर्षण का बल का मान सबसे ज्यादा होगा। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है विषुवत रेखा पर, सॉरी ध्रुव पर, सबसे अधिक ध्रुव पर, और सबसे कम विषुवत रेखा पर। इसीलिए सुन लो, विषुवत रेखा पर सबसे कम, ध्रुव पर सबसे ज्यादा। इसीलिए जितने भी सैटेलाइट हैं वो कहां से छोड़े जाते हैं? विषुवत रेखा से। गुरुत्वाकर्षण बल का मान जहां सबसे कम होता है सैटेलाइट,
वहीं से छोड़ी जाती है। हर देश में सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर विषुवत रेखा के पास क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है भाई, क्योंकि उपग्रह हम वहीं से छोड़ते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। हेमोग्लोबिन में किस में पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। इसीलिए जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है बॉडी में तो क्या खाया जाता है? पालक। क्या खाया जाता है? मेथी। क्या खाया जाता है? चुकंदर। या फिर नहीं कुछ खा सकते तो आयरन की गोली खाते हैं। गुरु फ्री में मिलता है अस्पताल में, नहीं लाल गोली नीली गोली बच्चों को भी खिलाया जाता है आजकल, न तो केला खाइए। तो भैया आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है। और हीमोग्लोबिन लिखो, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन वो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन का काम बताइए, क्या है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बताइए, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसफर है। और ये पाया जाता है लाल ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है लिखो, कई बार पूछा गया है, शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आई गुरुत्वीय त्वरण का मान अभी बता दिया हूं, अभी बताया हूं। गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का मान कितना होता है पूछ रहा है। स्मॉल जी का एवरेज मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का एवरेज मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नोट कर लो। और कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान लिख लो, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। इसका क्या होता है मान? 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 11 एनएम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भाई लिख लो कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान रट लो। इसका मान किसने निकाला था? कैपिटल जी का मान निकाला था, लिख लो, सर हेनरी कैवेंडिस। सर हेनरी कैवेंडिस लिखो भाई, सर हेनरी कैवेंडिस ने कैपिटल जी का मान निकाला। कैपिटल जी का मान किसने निकाला पूछा जाएगा, कैपिटल जी का मान किसने निकाला? सर हेनरी कैवेंडिस। क्या निकाला? 6.67 गुना 10 टू द पावर 11 माइनस 11 एनएम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट गुरु, जल्दी फटाफट असेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आ जाओ, मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है 57 का विद्रोह। चलिए थोड़ा सा अब 90 नंबर क्वेश्चन आ गए, अब नजदीक पहुंच रहे हैं हम लोग भाई, अब जल्दी चलो भैया। मेरठ में विद्रोह यानी 1857 का विद्रोह पूछ रहा है। चलो विषय बदल गया, साइंस हम लोग बहुत कुछ कर लिए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 1857 में मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को हुआ। विद्रोह के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया था। विद्रोह के प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया था। और बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुआ। 12 जून 1857 को बिहार में 57 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुआ। कहाँ से? बिहार में उस समय था देव, अब तो झारखंड में है, देवघर जिला के रोहिणी से, देवघर जिला के रोहिणी गांव, देवघर जिला के रोहिणी गांव से, लिख लो, देवघर जिला के रोहिणी गांव से बिहार में विद्रोह की शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुआ 12 जून 1857 को। और पूरे भारत में विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ। बिहार में, बिहार में जगदीशपुर से 57 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में 57 की क्रांति के नेता जगदीशपुर से, आरा से बाबू कुंवर सिंह थे, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, भागलपुर से पीताम्बर शाही और इलाहाबाद से लियाकत अली, बेगम हजरत महल, लखनऊ से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान और कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से
लक्ष्मीबाई, संबलपुर से सुरेंद्र साई, दिल्ली से बख्त खां बहादुर शाह जफर और हरियाणा से राव तुलाराम। कैसे याद रहेगा हैं? बादाम खाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं खाते फिर भी याद है। चलो भैया, 57 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा कि भारतीय जनता की क्रांति है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि 57 की क्रांति ये जन क्रांति है। भाई कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स वही कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और ये किस क्या दिया था? साम्यवाद। किस साम्यवाद का विचार किसने दिया? साम्यवाद का विचार कम्युनिस्ट, साम्यवाद का विचार यानी कम्युनिस्ट विचारधारा किसने दिया? कम्युनिस्ट विचार किसने दिया? कार्ल मार्क्स। सेशन को लाइक कर दो गुरु, और रोज ही शाम सुनो, रोज जो टाइम था लाइव आने का वही टाइम रहेगा रात को 7:30 बजे, ये आज के लिए केवल टाइम था। चलो गुरु आगे आ जाओ। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ ये बताएंगे नहीं? मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ हो ही गया भाई, आगे आ जाओ। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? बताया था 3 दिन पहले भाई, एकमात्र जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय जलवायु। लिख लो, दुनिया की एकमात्र जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है। दुनिया की एकमात्र जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है, लेकिन पूरे साल वर्षा विषुवतीय जलवायु में। विषुवतीय जलवायु एक और जलवायु है, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु, पश्चिमी यूरोप की जलवायु, पश्चिमी यूरोप की जलवायु। लिख लो भैया, पश्चिमी यूरोप की जलवायु भूमध्य विषुवतीय जलवायु और पश्चिमी यूरोप की जलवायु, ये दो ऐसी जलवायु है जहाँ सालों भर जब जाइए तब वर्षा होता हुआ मिलेगा, जब जाओ तब बारिश मिलेगा। और एकमात्र जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ जाड़े में वर्षा होती है, जाड़े में वर्षा होती है। और यहाँ खट्टे और रसदार फलों की प्रधानता है, खट्टे और रसदार फलों की प्रधानता है, खट्टे और रसदार। क्वेश्चन आ जाए, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खट्टे फल रसदार फल कहाँ उगाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में। पूरे दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलता है? सबसे अधिक जैव विविधता ये पूछे कहाँ मिलता है तो विषुवतीय जलवायु में। पूरे दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलता है तो ये मिलता है विषुवतीय जलवायु में। चलिए, और जाड़े में वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु। अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शराब उद्योग कहाँ है तो भूमध्य सागरीय जलवायु। चलिए आगे आओ, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर मिलता है? तापांतर मतलब ताप का अंतर, सबसे कम तापमान में अंतर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लिखो, सबसे ज्यादा तापांतर का मतलब होता है कि पूरे दिन मिला के 24 घंटे मिला के सबसे कम तापमान और सबसे ज्यादा तापमान के अंतर को बोलते हैं तापांतर। तो गुरु पूछ रहा है, सबसे अधिक तापांतर मरुस्थल में मिलता है, पूरे दुनिया में सबसे अधिक तापांतर मरुस्थल में मिलता है और सबसे कम तापांतर विषुवत रेखीय प्रदेश में। पूरे दुनिया में सबसे कम तापमान का अंतर, पूरे दिन में सबसे अधिक तापमान सबसे कम तापमान के बीच अंतर सबसे ज्यादा मिलेगा मरुस्थल में। लिखो, सबसे ज्यादा मरुस्थल में और सबसे कम मिलेगा विषुवत रेखीय प्रदेश में। चलिए आगे आओ, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु मिलता है? कांगो नदी है, अफ्रीका की एक नदी है, कांगो नदी है, कहाँ की? अफ्रीका की। अफ्रीका में भाई कांगो नदी है, ये विषुवतीय जलवायु। कांगो घाटी ये विषुवत रेखा के आसपास है, विषुवत। कांगो एक देश का नाम भी है, कांगो एक कंट्री का नाम भी है जो कि विषुवत रेखा पर है, और यहाँ एक जनजाति भी रहता है पिग्मी। लिखो, कांगो घाटी में कौन सी जनजाति रहता है? पिग्मी जनजाति। लिखो, ये पेड़ पर रहती है, एक आदमी की जनजाति है, नीचे रहबे नहीं करता है, पेड़ पर घर बना के रहता है ये भाई। पिग्मी जनजाति फेमस है, रट लेना, कांगो घाटी में एक जनजाति रहता है पिग्मी जनजाति, और ये विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु यहाँ मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले, ये जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आओ, पिग्मी कांगो घाटी विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से, बताए थे कल ही, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाई विषुवत रेखा के उत्तर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं डोलड्रम, कल बताए थे डोलड्रम। और यहाँ पर क्या पाया जाता है?
विषुवतीय जलवायु, यहाँ क्या पाया जाता है, विषुवतीय जलवायु। विषुवत रेखा के उत्तर 5 डिग्री और दक्षिण 5 डिग्री कौन सी जलवायु, विषुवतीय जलवायु मिलेगा गुरु। और इसे क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम, इस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम या शांत क्षेत्र। क्वेश्चन आ जाए, पूरे धरती पर डोलड्रम किसे कहते हैं, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को डोलड्रम। और यहां कौन सी जलवायु मिलता है, विषुवतीय जलवायु। और दुनिया में दो ऐसी जलवायु है जिसको हम लोग बोलते हैं जहां पूरे साल वर्षा होती है, विषुवतीय जलवायु और पश्चिमी यूरोप की जलवायु। जहां जाड़े में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। याद रहेगा, चलिए आगे आओ, देखते हैं कितना परीक्षा में याद रहता है। अमेजन बेसिन के जंगल किस प्रदेश में आते हैं बताओ। अमेजन बेसिन दुनिया में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, दुनिया में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी कहां मिलता है, अमेजन नदी बेसिन में। और अमेजन नदी बेसिन में कौन सी जलवायु, विषुवतीय जलवायु। अमेजन नदी बेसिन का जो जंगल है उसे सेल्वा कहते हैं। अमेजन नदी के जंगल को क्या बोलते हैं, सेल्वा। और क्या बोलते हैं, लंग ऑफ अर्थ, लंग ऑफ, लंग ऑफ अर्थ। अमेजन नदी के जंगल को लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। और कहाँ है ये, ब्राजील में। अमेजन नदी के जंगल कहाँ है, ब्राजील में। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की लंबी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी। लंबी नदी नील है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है तो अमेजन। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है तो गुरु नील। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील और सबसे बड़ी नदी अमेजन। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, हारना मना है। अब शतक मारने जा रहे हैं हम। चलो भैया 3 रन बच गया है और। चलो भैया, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता मिलती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस प्रदेश में मिलता है, वनस्पति की विविधता जैव विविधता बताए हैं। सबसे ज्यादा विषुवतीय प्रदेश में, जहां पूरे साल वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में ठंडी नहीं पड़ता, पता है आपको, विषुवतरेखीय प्रदेश में ठंडी का कोई मौसम नहीं होता भाई। विषुवतीय जलवायु में सबसे ज्यादा जीव जंतु और सबसे ज्यादा पौधे भी मिलते हैं। आगे आओ, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है, हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन, इसको हम लोग शॉर्ट में SCO कहते हैं, उसका नया मेंबर बनाया गया है, ईरान को। शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बनाया गया ईरान को, नोट कर लो गुरु। आगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का टाइटल किस देश ने जीता, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता, जल्दी बताओ गुरु, जल्दी बताओ मेरे दोस्त। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का टाइटल किसने जीता, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 2023 का टाइटल किसने जीता, ये बेंगलुरु में हुआ था फाइनल, बेंगलुरु में हुआ था फाइनल, कुवैत को हराकर जीता, कुवैत को हराकर भारत जीता। किसको हराकर, कुवैत, भारत बना विजेता और कुवैत बना उप विजेता, करंट अफेयर है, कुवैत बना उप विजेता। भाई इसको सैफ खेल भी कहते हैं, इसको हम लोग सैफ खेल भी कहते हैं। इसका विजेता बना भारत, किसको हरा के जीता, कुवैत में। अब फाइनल मैच कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में फाइनल मैच हुआ था, बेंगलुरु में। चलिए शतक मार दिए हम लोग, 100 रन पूरे कर लिए। अब आइए हम लोग टोटल, अब करंट अफेयर आ गया, 5 क्वेश्चन और करेंगे। भारतीय टोटल 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, करंट का सवाल है गुरु। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई, कोच नियुक्त किया गया है किनको, राहुल द्रविड़ को। भारतीय टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, लेकिन मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे चुना गया, जल्दी बताओ। ऐसे तो चेतन शर्मा को चुना गया, हाल में चेतन शर्मा होंगे, लेकिन पुराने रूप में देखिएगा तब इसमें हो जाएगा अजीत आगरकर। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट।
बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे चुना गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे चुना गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे चुना गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे चुना गया? देवव्रत चंद, देवव्रत चंद। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, हम भी थोड़ा अब ज्यादा ही पसीना बहा दिए भाई, ठंडी में निकल गया पसीना। हम हमेशा कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं, और जो पानी से नहाते हैं उस लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। चलो गुरु, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? जल्दी बताओ। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, ईएएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। आ गया हो नई दिल्ली में, भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? ज्यादा नहीं, 110 क्वेश्चन करेंगे। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? भारत 6G अलायंस को अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का के परिसर का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री में अन्य अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट? राजनाथ सिंह। किसने किया? राजनाथ सिंह। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया जाएगा? संघाई शिखर सम्मेलन का संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तेईसवां तो भारत में हुआ था, 23वां कहां हुआ है? भारत में। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट। अगला, भारतीय महिला टीम की में जगह पाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई? भारतीय टीम में जगह पाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई? भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई? जल्दी बताओ। उमा छेत्री, उमा छेत्री। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप के किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? चलिए, चाहत अरोरा, माना पटेल, माना पटेल। चलिए दो क्वेश्चन और कराते हैं। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे चुना गया?
कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे चुना गया? कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे चुना गया? चलिए, जतिन प्रसाद, अजय सिन्हा, राहुल आनंद, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कौन है गुरु? पीएम प्रसाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन गुरु, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? किस राज्य में 5600 करोड़ के नए हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? जल्दी बताओ। लास्ट क्वेश्चन है करंट का, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? चलिए अंतिम सवाल है, राजस्थान में। चलिए तो भैया, चलिए हो गया 110 क्वेश्चन, 10-12 करंट भी हो गया। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक बार आप बताइए आज का सेशन कैसा लगा? हम करेंट या इस करंट को छोड़ दीजिए, हम लोग करंट का एक स्पेशल सेशन भी आपको करवाएंगे। कैसा रहा आज का सेशन, एक बार जल्दी से बता दो, आज का सेशन कैसा रहा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, अभी कमेंट पढ़ूंगा तभी सेशन ऑफ करूंगा। कैसा रहा आज का सेशन जल्दी बताओ। राम उत्तम कुमार, तरन्नुम, मोहम्मद आलम, आज के सेशन से कितना फायदा हुआ, कैसा रहा सेशन? एक बार सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन जल्दी हो जाए, इतनी ताकत मिले कि हर दिन हम बोलते हैं कि हमारे सेशन के बाद 300 सवाल पढ़ो, तो तुम पढ़ लो 500 सवाल, इतनी ताकत मिले कि रात दिन पढ़ो, 5 दिन में वो लकीर खींच दो जो आने वाली पीढ़ी की नजीर बन जाए। चलिए आरती, चंदन, अर्चना, अरशद, युवा सेवा, चलिए सोनम, चलिए रीचा, सोनी, यशपाल जी, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो लगातार जुड़ते रहिए, सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, एक बार सेशन को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दो। और आज का सेशन, आज इकोनॉमी का भी क्वेश्चन था, आज ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन था, आज पॉलिटी का भी क्वेश्चन था, साइंस का भी क्वेश्चन था जी, बहुत दिनों से कह रहे थे तुम लोग। तो कैसा रहा आज का सेशन, एक बार 5200 लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे, हमें 5200 कमेंट चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे फिर से उसी एनर्जी के साथ, तब तक के शुभकामनाएं, आशीर्वाद, हमेशा मुस्कुराते रहो गुरु। फिर से एक बार बोलूंगा, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तोहफे के सफर भी देना, गुप्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो कल शाम एक मेगा सेशन लूंगा, एक बड़ा सेशन लूंगा, शानदार सेशन लूंगा, इसलिए प्लीज डोंट मिस, जो कल का सेशन होने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा। कल शाम 7:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभकामनाएं, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।